हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम D++B पेडागोजी स्पेशल की पहली क्लास करने वाले हैं। इसी क्लास से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं, और ये भी पता लगेगा कि हाँ भाई सही में क्वेश्चन हो रहे हैं। इस चीज को स्टार्ट करने का एक मेन रीजन जो यार मैंने भी फील किया था और आपने भी शायद अपनी तैयारी के टाइम या फिर अभी फील कर चुके होंगे कि जो भी मार्केट में कोर्सेज हैं, फिर जो जितनी भी चीजें हैं, है ना, वो कोर्स तो आपने कर लिया बट उसके सवाल नहीं लग पा रहे, आपसे सवाल नहीं हो पा रहे, है ना। इसका मतलब ये है कि जो वो कोर्सेज हैं, चाहे तो उनमें लैक ऑफ कंटेंट है या फिर वो अप टू द मार्क नहीं है कि यार कि हाँ इससे क्लियर हो जाएगा। बट क्योंकि मैंने क्लियर किया है तो मेरा अभी एम ये है कि आपका भी एटलीस्ट ऐसा हो जाए कि कोर्स करने के बाद एक सवाल बचे ना। पेडागोजी स्पेशल में हम क्या क्या करने वाले, देखो NIA जितनी भी है साथ के साथ बताऊंगा, इस चीज को याद कर लो। आपने शायद पहली क्लासेस देखी हो तो आपको पता होगा, जो हमने अश्विनी सर के चैनल पे ली थी तो उसमें आपको पता होगा कि ये चीज करनी है। मैं लिखवाता था कि इसको याद कर लो, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद इग्नू की जो जो जिसमें भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं वो इग्नू की बुक से करेंगे, 11 12th की साइकोलॉजी की बुक्स के जो अच्छे टॉपिक है वो किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस थ्योरीज और टॉपिक्स जो कि किसमें मेंशन नहीं है, NIA से मेंशन नहीं है, तो वो करी जाएंगी। देखो कॉल्ब अब पूरी तरीके से NIA में मेंशन नहीं है, मतलब एक अच्छा खासा पोर्शन है बट पूरी हम वो करेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये चीज करने वाले हैं, तो इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और आज हम करने वाले हैं कॉल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इस बात की गारंटी है कि इस क्लास के बाद अगर आपका कॉल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक भी सवाल छूट गया तो आके बता देना इसी वीडियो के नीचे, कमेंट कर देना भाई। यही लेवल का कंटेंट और यही लेवल का कॉन्फिडेंस हमने KVS के टाइम पे दिया था, और यही कॉन्फिडेंस अभी आपको देखने को मिलेगा। आप बस जितने भी घंटे की, एक घंटे या डेढ़ घंटे की क्लास रहती है, इसको एक बार देख लो। और ये PYQ है, अभी करके देखो इनको, ये पीछे अभी दिखाता हूँ, PYQ दिखाऊंगा, अभी करके देखना और क्लास खत्म होने के बाद करके देखना। क्लास के साथ साथ ही चीजें याद हो जाएंगी, फिर से बता रहा हूँ, क्लास के साथ साथ ही चीजें याद करा दूंगा, पता भी नहीं लगेगा। जो लिखवाने का साथ के नोट्स बनवा दूंगा, है ना। मेन दिक्कत ही आती है कि भाई एजुकेटर पढ़ा तो देता है या फिर जो भी टीचर है पढ़ा तो देता है, पर उसका उसके मतलब एक थ्योरी पढ़ा दी कॉल्ब की, बट उसमें से जो सवाल आ रहा है वो और डीप से आ रहा है, समझ रहे हैं। तो मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है कहां से क्या आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज इसी वीडियो से आपको हिसाब लग जाएगा कि हाँ हम क्या कितनी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक डेढ़ घंटे जितनी भी क्लास बनती है इसको पूरा देखिए और उसके बाद डिसाइड करिए क्या ये चीज फ्रूटफुल है कि नहीं है। मेरी ये गारंटी है इस क्लास के बाद अगर कोई भी सवाल कॉल्ब का रह गया तो बता दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, मैं एक बार छोटा हो जाता हूं और वीडियो को अगर आपको देखो तेज करने की जरूरत पड़ती नहीं है, मैं थोड़ा सा तेज ही बोलता हूँ, 2 सेकंड देना मुझे, ठीक है। मैं जर्नली स्पीड में ही बोलता हूँ और साथ के साथ समझाता हुआ चलूंगा सारी चीजें हैं। और जो भी बोल रहे हैं ना, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो वो प्लीज जो टर्म्स हैं इंग्लिश मीडियम की वो इंग्लिश में ही याद करें। क्यों क्यों दिक्कत क्या आती है कि जो NIA या फिर जो D++B एग्जाम बनाता है वो सीधा सीधा इंग्लिश वाली NIA से क्वेश्चन बनाता है या फिर जो भी इग्नू की उठा रहा है, उसके बाद उसको गूगल ट्रांसलेट करता है, जिसकी वजह से टर्म्स में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है हिंदी टर्म हिंदी वालों से, जैसे डाइवर्जिंग है इसको डाइवर्जिंग ही याद रखिए, असिमिलेटिंग है इसको असिमिलेटिंग याद रखें, बट अगर आप आपको इसकी कोई अल्टरनेटिव हिंदी में टर्म पता है और पता है कि हाँ बिल्कुल सही है तो वो याद रखें, ठीक है। क्योंकि काफी सारी ऐसे टर्म्स आएंगे जिसमें आप हिंदी के टर्म्स में शायद कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, हिंदी में बताता चलूंगा क्या पूछा हुआ है, डाइवर्जिंग असिमिलेटिंग जितनी भी टर्म्स आपको ऐसे याद रखनी, ठीक है। देखो ये सारे PYQ क्वेश्चन है, ये कुल मिला के 18 क्वेश्चन है, चाहे वो D++B में आए चाहे वो किसी स्टेट एग्जाम में आए, वो हर चीज के ये हैं, ठीक है। ये चीजें हैं, देखो ये अभी कोई भी आप उठा के देख लो शायद आपसे हो जाए, बट इस क्लास के बाद इस 18 में से आपसे 18 के 18 हो जाएंगे, और ये 18 के अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन लगाओगे वो सारे होंगे। चलें स्टार्ट करें। देखो ये है अकॉर्डिंग टू कॉल्ब्स मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैस्पिंग एक्सपीरियंस द लर्निंग स्टाइल कैन बी, शायद आप रट रखा हो बट अभी रटने वाली चीज नहीं रहेगी, आपको क्लास के बाद याद हो जाएगा पूरा। स्टार्ट करें, ये पेडागोजी स्पेशल की फर्स्ट क्लास है, 18 क्वेश्चंस ये हैं, अभी शायद ना हो, एक बार पढ़ लेते हैं एक डेढ़ घंटा, उसके बाद देखना स्मूथली क्वेश्चंस कैसे याद होते हैं, ठीक है।
चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो बात आती है कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग। देखो कैमरा साफ है। कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कॉल्ब्स, यार कैमरा 2 सेकंड देना मुझे। ठीक है, कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, 2 सेकंड देना मुझे कैमरा को साफ। ठीक है, देखो कॉल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग लर्निंग स्टाइल है ना, ऐसा कुछ है। 2 सेकंड देना यार। ठीक है, ये ना रुक तो ना, चेक कर रहा हूं। स्टार्ट। कॉल्ब ने अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थ्योरी दी, बिल्कुल दी, पर इससे पहले कार्ल रॉजर ने अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थ्योरी दे चुकी थी। स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं। पहला पॉइंट लिखो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल। आपने कार्ल रॉजर का नाम सुना होगा, कार्ल रॉजर। सवाल आता है इसलिए पहली इंट्रोडक्शन के टाइम में आपको बता रहा हूं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था, कार्ल रॉजर ने 1969। ठीक है, बट ये थ्योरी इतनी फेमस नहीं हुई। फेमस थ्योरी किसकी हुई, अपने कॉल्ब साहब की। किसकी, कॉल्ब साहब की। कॉल्ब साहब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी फेमस हुई कब आई, 1984। बात क्लियर, ये लाइन लिख ली, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय कार्ल रॉजर्स इन 1969, और जो फेमस हुई कॉल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी वो 1984 में आ गई। बात क्लियर हो गई याद। ठीक है, सवाल आएगा इसलिए करवा रहा हूं, वरना नहीं करवाता है ना। और ऐसा कोई भी इस टाइप का लेवल का कंटेंट आपको कहीं मिल जाए तो बता देना। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो क्या है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, है ना, कॉल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग। क्या समझ रहे हो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंशियल से कि एक्सपीरियंस गेन करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन भाई साहब ने ऐसा कुछ हमें चार्ट बना के दिखाया या फिर ऐसा कुछ ग्राफ बना के दिखाया है। देखो ये, ठीक है, अगर आप कोई भी लाइक आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, पहला स्टेप क्या होगा, साइकिल को छू के देखोगे, है ना, उसकी कंक्रीट एक्सपीरियंस लोगे। और ये साइकिल में नहीं, हर किसी चीज में। बात क्लियर, आप मानोगे नहीं जो मैं समझा रहा हूँ ना, एक बार समझा, आपको पता लगेगा नहीं अभी क्या समझ रहा हूँ, बट जैसे जैसे मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराऊंगा ना आपकी, आपको पता लगेगा नहीं कि आप कब चीज सीख गए। ठीक है, आप साइकिल चलाना सीख रहे हो या फिर आप कोई भी काम सीख रहे हो, आप खाना बनाना सीख रहे हो, फर्स्ट चीज क्या है, कंक्रीट एक्सपीरियंस। आप उस चीज को छू के तो देखोगे, क्लियर है। तो फर्स्ट इन भाई साहब ने दिया कंक्रीट एक्सपीरियंस। क्या दिया, कंक्रीट एक्सपीरियंस, ठीक है, ईएक्सपी। ठीक है, जो चीज लिखवानी होगी बता दूंगा, ये चीज लिखो, ये चीज बनाओ, ये चीज याद करो, उसकी चिंता मतलब समझो अभी। कंक्रीट एक्सपीरियंस दिन भाई साहब ने, कंक्रीट एक्सपीरियंस मतलब कि जब आप साइकिल चलाना सीखोगे तो आप उस चीज को फील करोगे ना। अगर रोटी बनाना सीखोगे तो आटे को फील करोगे, है ना, तो फील, कंक्रीट एक्सपीरियंस का मतलब होता है फील। क्लियर है बात, क्या फील, बात क्लियर। अब आपने उसको छू के देख लिया, है ना, या फिर आपने वो काम कर लिया, उसके बाद अब सोचोगे आप, आपने एक बार स्टार्टिंग में रोटी बना ली, टेढ़ा मेढ़ा नक्शा बना होगा, जैसा भी भारत का नक्शा बना होगा या फिर और कोई भी नक्शा बना, कभी पहली बार में गोल तो बनती नहीं, या फिर पहली बार में क्या था, कच्ची रह गई हो, है ना। ठीक है, आपने एक्सपीरियंस ले लिया, कंक्रीट एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया उस चीज को आप बैठोगे, आप सोचते नहीं हो कि यार मैंने साइकिल है, मैं गिर गया, मैं उस टाइम कैसी चला रहा हूँ, या फिर मैंने रोटी बनाई तो मैंने कैसे बनाई, है ना, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। क्या रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, मतलब कि रिफ्लेक्ट, पता क्या होता है रिफ्लेक्टिव, देखो यहाँ पे राइटिंग ये नहीं लिखना, जो चीज लिखनी होगी मैं बता दूंगा, चिंता मत करो, समझा रहा हूँ फिलहाल। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एक बार देखें, दिख रहा है कि दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, थोड़ा तुम और कर दो, दिख रहा होगा शायद, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में आप क्या करोगे, आप देखोगे,
आप अपनी एक्टिविटी को जो अभी आपने कंक्रीट एक्सपीरियंस किया है उसको आप रिव्यू करोगे, रिफ्लेक्टिव होता है, जो हम चीज कर चुके हैं उसको रिव्यू करना, ठीक है, उस चीज को आप रिव्यू करोगे, सोचोगे अपने माइंड में, ठीक है, तो वो होती है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। और बेसिकली क्या है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आप अपने जो एक्सपीरियंस आपने लिया है उसको रिव्यू करोगे, उसको वॉच करोगे, कैसे, माइंड में, क्या करोगे, वॉच, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है तो आप वॉच करोगे, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन मतलब वॉच, क्लियर बात, समझ आ गई बात। मैं ऐसे कनेक्शन बिठा दूंगा ना कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखना ये बात, अभी आप देखते जाओ, जादू देखना। उसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन आपने सोच लिया यार मैंने, हाँ ऐसी साइकिल में बैठा था या बैठी थी मैं, उसके बाद मैंने चलाई और मेरे से चली नहीं, मैं गिर गई, ये आपने अपने माइंड में अपनी जो काम की आपने वो देख लिया, ठीक है। अब उस चीज का आप एक कंसेप्ट बनाओगे, उस चीज का एक कंसेप्ट बनाओगे दिमाग में कि क्या मैंने इस टाइम ये गलती कर दी थी, इस टाइम ना मैंने एकदम से हैंडल टाइट पकड़ लिया था, या फिर मेरा पैर मैंने ढंग से बैलेंस नहीं किया जिसकी वजह से मैं गिर गई, या फिर इस टाइम मैंने रोटी पे ज्यादा आटा लगा दिया जिसकी वजह से रोटी मेरी बहुत गोरी बनी, मतलब बहुत सफेद बन गई, या फिर इस टाइम ना मैंने गैस से वो जल्दी उतारी नहीं जिसकी वजह से मेरी रोटी जल गई, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बनाओगे, कंसेप्ट, अब ये चीज कंसेप्ट आपने दिमाग में बनाया, और जो भी चीज क्या बोलते हैं आपके सामने जिसको आप छू नहीं सकते वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, क्या, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ये लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, अभी मत लिखना, बस समझा रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, एक दिमाग में कंसेप्ट बनाया ना, बिल्कुल सही बात, एक कंसेप्चुलाइजेशन कैसे बनाया, सोच के, कैसे बनाया, सोच के, तो थिंक, क्लियर बात, बात क्लियर, ठीक है। अब आपने कंसेप्ट बनाया, अब ये तो है नहीं कि आप पहली बार में आपने रोटी बनाई, पहली बार साइकिल चले सीख गए, अब इसी कंसेप्ट को जो आपने दिमाग में बनाया कि यार पिछली बार ना मैंने रोटी पे ज्यादा आटा लगा दिया, रोटी गोरी बन गई, फिर तवे पे ज्यादा देर रख दी जिसकी वजह से जल गई, अब आपके दिमाग में ये चीज रहेगी जब आप अगली बार कुछ काम करोगे, अगली बार वही काम करोगे, तो अब आप क्या करोगे, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जो आपने कंसेप्ट बनाया है उसको अप्लाई करोगे, क्या करोगे, उसको अप्लाई करोगे, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन, क्या, उसको अप्लाई किया, अप्लाई मतलब उसमें कुछ काम किया, तो डूइंग, क्या आएगा, डू, डू या डूइंग जो भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर बात, ये भी बात खत्म, समझ आया। अब ये साइकिल दी हमारे कॉल साहब ने कि बच्चा पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस, अगर वो साइकिल चलाना सीख रहा है, फिर कोई भी नया काम सीख रहा है, आटे वाला सीख रहा है, रोटी बनाना सीख रहा है, एक्सपीरियंस लेगा, उसके बाद उस एक्सपीरियंस का मतलब उसको मतलब फील करेगा ना, तो फील, छूके फील करेगा, ठीक है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जो उसने एक्टिविटी करी उसको अपने दिमाग में ही रिव्यू करेगा, उसको अपने दिमाग में रिव्यू करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करेगा तो वॉच करेगा, क्लियर बात, वॉच। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, उसके बाद जो उसने चीज ऑब्जर्व करी उसमें देखेगा कि यार मैंने ये गलती कर दी थी, उसके बाद उसका कंसेप्ट फॉर्म कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, है ना, कि यार पिछली बार ना मैंने रोटी ज्यादा देर तवे पे रख दी थी तो रोटी जल गई, अब उसको उसने कंसेप्ट कंसेप्चुलाइजेशन कर ली, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, कैसे, सोच के, थिंक, बिल्कुल क्लियर। अब जो उसके दिमाग में कंसेप्ट है उसको अगली बार अप्लाई करेगा, है ना, तो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन डू, क्लियर बात, बात क्लियर। अब देखो ये आपको बनाना है अपनी कॉपी में, ये आपको बनाना है, हेडिंग डाल लो कॉल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, डाल लिया, यही सेम चीज है, अभी मत बनाना, अभी नहीं, अभी सिर्फ सुनो एक बार, ठीक है, वीडियो पॉज करके ये बना लो, कंक्रीट एक्सपीरियंस डूइंग स्लैश हैविंग एक्सपीरियंस, बात कर चुके हैं, बिल्कुल बात कर चुके हैं, डन, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, बच्चा रिव्यू करेगा अपने, रिव्यूइंग और रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बिल्कुल डन, कोई भी डाउट नहीं। सेकंड, थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, कंक्लूडिंग लर्निंग फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से सीखा हमने कि यार रोटी ज्यादा देर तवे पर रहेगी थी, सीख लिया, अब वो सीखी हुई चीज को अप्लाई करें, कैसे, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, तो प्लानिंग और ट्राइंग आउट व्हाट यू हैव डन, क्लियर बात, बना लो कॉपी में। अब यहां आती है इसकी कि आपको किस तरीके से याद होगा। देखो
स्टार्टिंग क्लास का मैंने कॉल्ब टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि कॉल्ब लर्निंग मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स है, अगर आपको पता हो तो, है ना। इसमें इतनी दिक्कत होती है, जितनी दिक्कत होती है ये आपको पता हुआ है ना, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। अगर आपने कॉल भी इतनी आसानी से कर लिया तो हम बाकी थ्योरी या फिर बाकी टॉपिक्स कितनी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चले आगे। ये बना लिया, रुको, ये बना लिया, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, दो चीजें आती हैं। पहला ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस, दूसरा ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। क्या चीज आती है? ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस और ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, देखो अब ये बताओ मुझे एक बार, हाईलाइटर नहीं गया। ठीक है, देख लो, ठीक है, पेन गैलेक्सी थिकनेस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस और ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस, अब इसमें से बताओ। देखो हमने यहाँ पे फील किया कोई भी चीज, उसको छू के देखा, उसमें एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, उसको ऑब्जर्व किया, रिफ्लेक्ट किया अपने दिमाग में, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्टुएशन उसको सोचा हमने, बिल्कुल सोचा। बेसिकली क्या हुआ इस साइकिल में, जब हम कंक्रीट एक्सपीरियंस से रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट तक गए हैं, ठीक है, कंक्रीट एक्सपीरियंस से रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन से होते हुए एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्टुएशन में गए हैं, हमने बेसिकली क्या किया, क्या किया, एक्सपीरियंस को ग्रेस्प किया है ना, एक्सपीरियंस को ग्रेस्प किया है, उसको छू के, उसको उसको अपने दिमाग में रिफ्लेक्ट करके, सोच के, और उसके बारे में या फिर कमियां या फिर उसके बारे में कंसेप्ट थिंकिंग करके इंफॉर्मेशन ग्रेस्प, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस ग्रेस्प किया है ना, बिल्कुल सही बात है, एक्सपीरियंस ग्रेस्प किया है। ठीक है, फील कैसे भाई, रोटी आटा लिया, गोल, उसकी गोल गोल क्या होती है, मांडी, मांडी पोई, हरियाणा तो मांडी कहते हैं भाई, मांडी पोई, ठीक है, उसके बाद उस पर आटा लगाया, फिर ऐसे, है ना, फिर ये एक्सपीरियंस किया, दिमाग में सोचा, रिफ्लेक्ट किया कि भाई ये रोटी इसलिए जल गई है, फिर मतलब सॉरी यार क्या बोल दिया मैंने, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, उसको बस दिमाग में सोचा, उसको दिमाग में देखा आपने कि स्टार्टिंग सेंटर में क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलेशन, फिर देखा कि रोटी जल गई या फिर रोटी सफेद बनी, शायद मैंने ये कर दिया, ये गलती कर दी यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली क्या किया, इन तीन स्टेप्स में आपने क्या किया है, एक्सपीरियंस को ग्रेस्प किया है, क्या किया, एक्सपीरियंस ग्रेस्प, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है। तो ये लाइन, जो ये वाली लाइन है आपकी, जो ये लाइन है, ये एक्सिस है, बेसिकली कोल्ब ने इस एक्सिस, जो इन्हें कहते हैं एक्सिस, बिल्कुल पता है एक्सिस कहते हैं, कोल्ब ने इन एक्सिस को बोला है कॉन्टिन्यूम, क्या बोला है, कॉन्टिन्यूम, कॉन्टिन्यूम आगे बात करेंगे क्या होता है, ठीक है। जो ये है नॉर्थ टू साउथ, आप कॉन्टिन्यूम ना याद रखे, इसको याद करो नॉर्थ टू साउथ, या फिर याद करने जो नहीं याद हो चुका है आपको, अब भूलोगे नहीं आप, कि हमने एक्सपीरियंस कैसे किया, फील वॉच थिंक करके एक्सपीरियंस को ग्रेस्प किया है। तो ये जो लाइन है ये होती है ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस की, कौन सी, ग्रेस्पिंग, मिट कैसे गया, ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस, कौन सी, जो वाई एक्सिस है नॉर्थ टू साइड साउथ वाली, ये होती है पूरी ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस। और ये बात याद रखना, ये साइकिल है, क्या है, इसने लर्निंग साइकिल दिए कॉल्ब ने, मतलब कि ये क्लॉक, ये क्या है, एंटिक, कैसे है, क्लॉकवाइज है ना, तो ये क्लॉकवाइज है, समझ रहे हो, ये क्लॉकवाइज चलेगी ऐसे, ये साइकिल है, ये लाइन वाइज चलेगी, पहला कंक्रीट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्लियर बात। तो हम यहां से कंक्रीट एक्सपीरियंस से रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तक आए, मतलब जो ये लाइन है, इस लाइन का कहने का मतलब क्या है कि यहीं से घूम के आए हुए, क्योंकि साइकिल है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये होती है ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस की, क्लियर होगी बात, अब आ जाओ आगे। अब अगला क्या बताया, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस, आपने उस चीज को रिफ्लेक्ट किया, रिव्यू किया, ठीक है, उसके बारे में एक कंसेप्ट फॉर्म किया, अपनी गलतियों के बारे में, अपने परफॉर्मेंस के बारे में कंसेप्ट फॉर्म किया और उसको अप्लाई किया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम साइकिल चलाइए, ठीक है, साइकिल चलाना सीख गए, उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास आप नया चैलेंज है स्कूटी चलाने का या फिर बाइक चलाने का, आप अपनी जो साइकिल चलाती हुई कंडीशन है या फिर जो साइकिल चलाते हुए आपका एक्सपीरियंस है उसको दिमाग में रिफ्लेक्ट करोगे, वॉच करोगे, कर लिया कि उसमें मैं कैसे बैलेंस करता था, कैसे चलाता था, करते हो, उसके बाद एक कंसेप्ट बना लोगे कि यार हाँ साइकिल और स्कूटी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है,
उसमें मुझे पैडल मारने होते थे या मुझे स्पीड देनी है। और ये बात मतलब मानो मेरी कि अगर आपको साइकिल चलानी आती ना तो आप स्कूटी पे बैलेंस बनाना आता होगा आपको पहले से, स्कूटी पे आराम से आपका बैलेंस बनेगा। बट उसमें क्या है, बस आपको स्पीड और ब्रेक का थोड़ा सा एक मसल मेमोरी डेवलप करनी होती है, ठीक है। तो आपके दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन होगी कि हाँ बैलेंस तो मुझे ऐसे करना है। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, अब आपने अपने साइकिल चलाने वाले एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, स्कूटी चलाने के एक्सपीरियंस में, ठीक है। आपने अपने साइकिल चलाने वाले एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया स्कूटी चलाने के एक्सपीरियंस में, बिल्कुल क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल, आपने आपको फॉर एग्जांपल अब पराठे बनाने हैं, है ना, रोटी बनाना और पराठे बनाना बहुत अलग बात होगी, खासकर लड़कियों को पता हुआ जो बनाते हैं, फिर लड़कों जो भी बनाते हैं उनको पता हुआ, ठीक है। आपने रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करी, आपने अगर आपको एकदम से मेहमान आ गए भाई कि सुनो भाई आज घर पे मेहमान आ रहे हैं, या फिर ये रिंकू रोटी बनाएगी और पराठे बनाएगी अपने हाथ के, या फिर ये हिमांशु है ये अपने हाथ के पराठे बनाएगा, और मैं भाई मैं बहुत ही खतरनाक रोटी बनाता हूँ, आपने देखी ना हो, एक दिन दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने रोटी बनाने के एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करूंगा, मैं ऐसे ऐसे करता था, ठीक है, और उसके बाद एक कंसेप्ट फॉर्म करूंगा कि यार हाँ ऑलमोस्ट सेम ही है, बस मुझे शायद क्या पता अंदर फिलिंग डालनी हो और रोटी सेम बनानी हो, ये कंसेप्ट बना लिया। अब इसको मैं एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करूंगा पराठे के ऊपर, समझ रहे हो। तो बेसिकली क्या किया मैंने, अपने रोटी बनाने के एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, पराठे बनाने के एक्सपीरियंस में, ठीक है। और पक्का ये आप सबको पता है पराठा एक बार में एग्जैक्ट नहीं बनेगा, बट जो रोटी बनाने का एक्सपीरियंस है उसने बिल्कुल हेल्प करी होगी, बिल्कुल हेल्प करी होगी, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन होती है, ये वाली मतलब कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से लेके एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट से लेके एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब कि जो ये वेस्ट टू या ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट वाली जो ये चीज लाइन है, मतलब कि जो साइकिल है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस, क्या, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस, क्लियर है बात, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस, ये बात होगी आप सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर। बस क्या करना है आपको, जब क्लास खत्म हो 2 मिनट इसके बारे में एक इंसाइटफुल सोच लेना कि सर ने क्या क्या करवाया, उसके बाद दोबारा ना ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, एक ही क्लास में सिस्टम खत्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस पता लग गया, ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस कौन सी होती है, नॉर्थ टू साउथ वाली, क्यों, इसमें हम इंफॉर्मेशन को ग्रेस्प करते हैं, कैसे करके, फील करके, उसके बाद उसको वॉच करेंगे, उसके बाद थिंक करेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, जो अपनी हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन है उसको वॉच करेंगे, फिर थिंक करेंगे, और उसके बाद उसको अगले जो हमारे एक्सपीरियंस है उसमें अप्लाई कर देंगे, मतलब एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन कर देंगे, डूइंग कर देंगे, ठीक है, बात क्लियर होगी। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब हम चल रहे हैं नई चीज पे, अभी लिखना नहीं है, जो लिखना बताऊंगा भाई, ठीक है। देखो दोस्तों, लिखने की आप टेंशन छोड़ दो, जो चीज अगर मैंने छुड़वा दी, जो चीज बोलूंगा बस वो मार करना, जो लिखो मतलब बोलो ना ये लिख लो, तो वो जरूर याद होनी चाहिए और लिखी होनी चाहिए। देखो डीटर प्लस बी में ना क्या चीज है, जितनी चीज समझने की उतनी चीज याद करने की भी, तो ये दिमाग से निकाल देना कि इसमें हमें समझना पड़ेगा कुछ चीजें याद करने के लिए, समझ रहे हो, बट वो याद करने का तरीका बताऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। मेरे अकॉर्डिंग आज की डेट में इससे अच्छी कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो ये हो गए, जो ये चीज है ना जो हमने करी, ये चीज करी, इन्हें कहते हैं कंफ्लिक्टिंग मोड्स या वेरिएबल्स, क्या कहते हैं, कंफ्लिक्टिंग मोड्स या वेरिएबल्स, ठीक है। पूछ लेगा जो कोल्ब के एक्सट्रीम एंड्स पर, एक्सट्रीम एंड्स ही तो है, ठीक है, कोल्ब की साइकिल में एक्सट्रीम एंड्स पे चीजें होती है, कंक्रीट एक्सपीरियंस, फीलिंग या रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन मोड, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं कंफ्लिक्टिंग मोड्स, ठीक है। अब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हर बंदे का, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे अश्विनी सर हैं, चाहे राहुल है, चाहे काजल है, चाहे कोमल है, जितने भी बंदे हैं उन सबका लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है, ठीक है। तो कोल्ब साहब ने यही बताया कि हर बंदे का लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है, बिल्कुल बताया, और ये लर्निंग स्टाइल ना हमेशा
दो कंफ्लिक्टिंग मोड्स, क्या बताया मैंने, जो बक्से बंद किए हैं ये क्या होते हैं, कंफ्लिक्टिंग मोड्स या वेरिएबल्स, इन्हें क्या कहते हैं, कंफ्लिक्टिंग मोड्स या वेरिएबल्स। तो जो हर बंदे का लर्निंग स्टाइल है वो इन इनमें से किसी दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होगा। मतलब कि थोड़ी जगह कम है, फिर भी लिख देता हूँ, एक कंफ्लिक्टिंग मोड, सॉरी एक लर्निंग स्टाइल यहाँ पे आएगा, किस किस का प्रोडक्ट होगा, कंक्रीट एक्सपीरियंस का और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन का, एक रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन का और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन का, एक प्रोडक्ट होगा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, और एक होगा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और कंक्रीट एक्सपीरियंस का। बात क्लियर? क्लियर है बात। अब देखते हैं ये कौन कौन से लर्निंग स्टाइल होते हैं, अब उसमें आ जाओ, थोड़ा सा ये मेसी हो जाएगा, उसमें आ जाओ। ठीक है, देखो इसको मैं क्या कॉपी करके यहाँ ला सकता हूँ, अगर ला सकता हूँ बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी, देखता हूँ और ला पाऊँ तो इसको न्यू पेज करके इसको रब कर दूँ, देखते हैं क्या होता है, अगर ला पाए तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो मस्त मजा आ गए। ठीक है, दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा सबको। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दो, लो दिख रहा है सबको, बिल्कुल दिख रहा है। बात कर ली कंक्रीट एक्सपीरियंस, ये आ गया फीलिंग है ना, उसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन वॉचिंग, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन थिंकिंग और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन डूइंग, ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस ये लिखा होगा, ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, कहाँ से कहाँ, क्योंकि साइकिल है तो ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस कौन सा, कंक्रीट ये पूरी साइकिल यहां से लेके यहां तक की साइकिल, और ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस यहां से लेके यहां तक की साइकिल। ठीक है, ठीक है, एग्जाम में क्या पूछेगा, एक्सट्रीम एंड्स पूछेगा कि ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस में कौन कौन सी जाती है, तो ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस असल में तो यहां से यहां तक है। ठीक है, तो आपको स्टार्ट और एंड बताना है, अगर पूछ ले ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस की कंफ्लिक्टिंग मोड्स बताओ, तो कंक्रीट एक्सपीरियंस से लेके कहां तक होती है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन पर। ठीक है, अगर पूछ ले ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस के एक्सट्रीम एंड्स बताओ, तो रिफ्लेक्ट आपको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बताना, स्टार्टिंग पॉइंट रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एंड पॉइंट एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। बात क्लियर? चलो मिट जाए यार जल्दी, मिट के मेरा ही है। चलें स्टार्ट करते हैं। चलो मैंने बताया कि हर इंडिविजुअल का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है, तो कॉल्ब साहब ने बोला कि जो लर्निंग स्टाइल है वो दो कंफ्लिक्टिंग मोड्स का, वो दो कंफ्लिक्टिंग मोड्स का क्या होगा, क्या होगा, दो कंफ्लिक्टिंग मोड्स का प्रोडक्ट होगा, लाइक कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर कोई बच्चा देख के, कोई बच्चा मतलब रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करके उस बारे में सोच के और उस चीज को फील करके समझेगा, तो उसका लर्निंग स्टाइल हो जाएगा डाइवर्जिंग। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने दिए, देखो पहला इन्होंने दिया डाइवर्जिंग, मतलब कि जो इसके बीच में है, सॉरी बता दो, जो कि कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बीच में है, क्या, डाइवर्जिंग। ठीक है, अगला एसिमिलेटिंग, नेक्स्ट कन्वर्जिंग एंड नेक्स्ट अकोमोडेटिंग फील एंड डू। ठीक है, इसको याद कैसे करना है, याद कैसे करना, देखो लर्निंग स्टाइल है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसने अपने हिसाब से दे दी, उन्होंने अपने हिसाब से दे दी, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, हाँ बट इनके फीचर्स है वो जो हम आगे पढ़ेंगे, देख रहे हैं। देखो डाइवर्जिंग है पहला, नेक्स्ट असिमिलेटिंग, देखो आपको ये साइकिल तो याद होगी, मैं आंख बंद करता हूँ, आप भी आंख बंद करो, पता याद करो, पहले हमें कुछ करेंगे मतलब उसको फील करेंगे, आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, सारे जो करवा रहा हूँ वो कर लो प्लीज, एक बार आंख बंद कर लो। फॉर एग्जाम्पल साइकिल चलानी सीखनी है, साइकिल के पास जाऊंगा, उसको छूंगा, देखूंगा, उसका एक्सपीरियंस करूंगा, तो कंप्लीट एक्सपीरियंस। ठीक है, सेकंड, उसके बाद मैं आ गया, गिर फूट के, टूट फूट के आ गया घर पे, मैं ऑब्जर्व करूंगा, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करूंगा, जो मैंने काम किया उसको ऑब्जर्व करूंगा, उसको दिमाग में वॉच करूंगा, कर लिया। तीसरा, अब उसको मैंने वॉच करने के बाद उसको मैं सोचूंगा कि मैंने क्या गलती करी और एक कंसेप्ट फॉर्म करूंगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर्म कर लिया दिमाग में, अब उसको अप्लाई करूंगा कल अगले दिन जाके, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन डूइंग। क्लियर बात, साइकिल पूरी याद है, साइकिल में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फीलिंग वॉचिंग थिंकिंग ये भी सारे याद हो गए। ठीक है, बस ये याद रख लो, डी
याद रखो डी 80, 80 पंजाबी लोग बोलते हैं ना, 80 को अक्को। ठीक है, देखो ये जो चीज है ये चीज आपको बाकी कहीं नहीं मिलेगी। जो मुझे पता है यार स्टूडेंट को क्या दिक्कत आती है, क्या चीज याद करने की और क्या चीज याद नहीं होती, सारी चीज इतनी स्मूथ हो जाएंगी ना, बस इस क्लास का क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, तीन लोग याद, D80 को आपको साइकिल पता है, कंक्रीट एक्सपीरियंस ले घूम के वापस कंक्रीट एक्सपीरियंस आएगी, तो वैसे ही हमें साइकिल वाइज लर्निंग स्टाइल रखनी है। डाइवर्जिंग पहले, 80 मतलब असिमिलेटिंग, को मतलब कन्वर्जिंग और अक्को मतलब अकोमोडेटिंग। बात क्लियर? क्लियर बात। हमें पता है डाइवर्जिंग किसके बीच में है, कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बीच में, तो मतलब फीलिंग एंड वॉचिंग, फील एंड वॉच। क्लियर बात। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, सेकंड लर्निंग स्टाइल क्या है, सेकंड लर्निंग स्टाइल क्या है, असिमिलेटिंग। सेकंड लर्निंग स्टाइल क्या है, असिमिलेटिंग, किसके बीच में, वॉचिंग के बीच में और थिंकिंग के बीच में, तो वॉच एंड थिंक। क्लियर बात। D80 को मतलब कन्वर्जिंग, ठीक है, को मतलब कन्वर्जिंग, किसके बीच में है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन मतलब थिंक एंड डू। ठीक है, और अको अको मतलब अकोमोडेटिंग, किसके बीच में, डूइंग और फीलिंग मतलब फील एंड डू। क्लियर होगी बात, कैसी चीज याद रखनी है, D80 को अको, ये चीज याद होगी। ठीक है, अब आ जाओ भाई, ये बना लो कॉपी में, बनाओ ये कॉपी में, ये बना लिया होगा कॉपी में, उसके नीचे ये बनाओ, बना लिया। ठीक है, अभी तक मैंने क्या लिखवाया, एक तो कार्ल रॉजर्स वाला 1969, उसके बाद कॉल्ब की 1984, उसके बाद हमने ये बनाया है, उसके बाद हमने ये बनाया है, ये बना लो, बना लिया होगा। ठीक है, पॉज करके बना लो। ठीक है, अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ यहां पे, देखो ये नोट्स मेरे हैं, ठीक है, ये भी आपको मिलेंगे, बट ये सेम टू सेम नहीं लिखना, इसमें मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसमें से आप पढ़ना भी मत, मैं कहूंगा बेटा अगर आपको लगे कि थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कर लेना। ठीक है, हमने देख लिया टू अप्रोचेस टू वर्ड ग्रेस्पिंग, ये देख लिया हुआ। ठीक है, ये सारा हमने देख लिया, कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप आ जाओ यहाँ पे, ये है एनआईएस में, एनआईएस में लर्निंग स्टाइल। क्लियर बात, मैं देख रहा हूँ, क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, सब चीज बढ़िया चल रही है। लर्निंग स्टाइल ये हमने कर लिया, टू अप्रोचेस टू वर्ड ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस है ना, कौन सा, नॉर्थ टू साउथ, ऊपर कंक्रीट एक्सपीरियंस, नीचे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है भाई, बोलो क्या है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, और इस साइड क्या है, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस, याद है बिल्कुल, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद लर्निंग स्टाइल्स दिए, अभी करते हैं वाले। ठीक है, आई होप ये दिख रहा होगा, क्लियर होगा। ठीक है, राइटिंग में थोड़ी सी बहुत बहुत अच्छी है, गंदी नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छी है, इसलिए देख लेना। ठीक है, देखो एक्सपीरियंस लर्निंग हमने भी देख लिया, उसने क्या दिए, फोर स्टेज साइकिल दी, फोर स्टेज साइकिल, ये साइकिल ही तो है, फोर स्टेज, फर्स्ट स्टेज साइकिल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर स्टेज साइकिल दी। ठीक है, बिल्कुल दी। फोर सेपरेट लर्निंग स्टाइल दिए, लर्निंग स्टाइल कौन सा, डाइवर्जिंग, असिमिलेटिंग, कन्वर्जिंग, अकोमोडेटिंग, बिल्कुल दिए, बिल्कुल दिए। क्लियर है बात। कॉल्ब स्टेट्स दैट लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स दैट कैन बी अप्लाइड फ्लेक्सिबली इन रेंज ऑफ सिचुएशन। इसने कुछ इसने ये नहीं बोला कि इसने बोला कि लर्निंग कुछ नहीं है, हम एक बार एक्सपीरियंस करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, और एक एब्स्ट्रैक्ट चीज जो हमने एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन बनाई, कुछ नहीं है, उसी को बस आगे अपने आने वाले एक्सपीरियंस में उसको एक्टिव एक्सपेरिमेंट करना, ये चीज है बस। इन कॉल्ब थ्योरी द इम्पिटस फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू कंसेप्ट इज प्रोवाइडेड बाई न्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, इम्पिटस का मतलब क्या होता है, इम्पिटस प्रेरणा, कि लर्निंग न्यू कंसेप्ट को सीखने की प्रेरणा कहां से मिलती है, न्यू एक्सपीरियंस से। क्लियर है बात, न्यू कंसेप्ट को सीखने की प्रेरणा कहां से मिलती है, न्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे, अगर आपको, आप सोचो अगर आपको बचपन से लेके अब तक, या फिर बचपन में आपको 1 साल 2 साल एक कमरे में ही बंद रखते, उधर कुछ भी सामान नहीं होता, तो आपकी क्या, आपके पास कंसेप्ट फॉर्म होते, नहीं होते, नहीं होते ना। तो यही बोला हुआ है कि जो एक्सपीरियंस है, न्यू एक्सपीरियंस ही प्रेरणा बनती है न्यू कंसेप्ट को सीखने की। बिल्कुल बात क्लियर। लर्निंग साइकिल कर चुकी है, आपने बना चुकी है। ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग इज सीन व्हेन अ पर्सन प्रोग्रेस थ्रू अ साइकिल ऑफ फोर स्टेजेस, ये हमने कर लिया है। एक कंक्रीट एक्सपीरियंस लेगा, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करेगा दिमाग में, उसके बाद उसके लिए
एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बनाएगा और उसको अगली बार अप्लाई करेगा, ये देख चुका, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो लिखने की चीजें बता दूंगा मैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये तो आप पूरा लिख ही लेना, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे को साफ नोट्स बनाए हुए, यहाँ से लिख लेना ये। ठीक है, बट एक बात याद रखना, अगर आपने कोई चीज लिखी हुई ना, उसको आपको आपको एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए, एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए, अगर आपने कोई चीज लिखी हुई है तो, ये बात याद रखना। ठीक है, ये चीज वही तो हमने डिस्कस कर ली है, बेशक मत लिखना, समझ आ गई मुझे पता है। उसके बाद देखो कॉल्ब ने क्या बोला, कॉल्ब साहब ने ये बोला कि जो पूरा प्रोसेस है, पूरी साइकिल है, वो एक इंटीग्रेटेड साइकिल है। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही बात है। पर उन्होंने ये भी बोली कि बंदा किसी भी स्टेज पे, किसी भी मूवमेंट पे साइकिल में एंटर हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बंदा यहाँ एंटर हुआ किसी भी स्टेज पे, स्टार्टिंग ये नहीं है, उन्होंने बोला वैसे तो चलो स्टार्ट यार हुआ। उन्होंने बोला कि कोई भी पर्सन साइकिल में किसी भी स्टेज पे एंटर कर सकता है, बट एंटर करने के बाद उसको वही सेम क्लॉकवाइज प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर एंटर हुआ, मैं इस स्टेज पे एंटर हुआ, ये लर्निंग स्टाइल की अलग बात है, स्टेजेस की बात चल रही है। ठीक है, ये स्टेज होती है और ये लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। मैं इस स्टेज पे एंटर हुआ, ठीक है, फिर मुझे क्या, अगर मुझे इफेक्टिव लर्निंग करनी है तो मुझे साइकिल ही फॉलो करनी पड़ेगी फिर से। ठीक है, मतलब कि क्या बोला, स्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं पे एंटर कर जाओ, बट आपको उसके बाद प्रॉपर जो सीक्वेंस वाइज साइकिल है वही फॉलो करनी पड़ेगी, बात क्लियर। पर कॉल्ब साहब ने बोला कि इफेक्टिव लर्निंग तभी होगी जब आप स्टार्टिंग से इस साइकिल को फॉलो करो, मतलब कंक्रीट एक्सपीरियंस से इस साइकिल को फॉलो करो, बात क्लियर। इंटीग्रेटेड प्रोसेस विद ईच स्टेज बीइंग म्यूचुअली सपोर्टिव ऑफ एंड फीडिंग इनटू द नेक्स्ट। इंटीग्रेटेड प्रोसेस बात मतलब इंटीग्रेटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हर स्टेज दूसरे से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू एंटर द साइकिल एट एनी स्टेज, कि किसी भी स्टेज पे एंटर हो जाओ। याद रखना ये स्टेजेस हैं, स्टेजेस ये नहीं है डाइवर्जिंग असिमेट्रिक स्टेजेस नहीं है, ये लर्निंग स्टाइल है, स्टेजेस ये है, है ना। तो ये बोली हुई है कि इट इज पॉसिबल टू एंटर द साइकिल एट एनी स्टेज, किसी भी पॉइंट ऑफ पॉइंट स्टेज पे आप एंटर कर सकते हो, बट एंड फॉलो इट थ्रू लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस कौन सा, यही क्लॉक वाइज है। ठीक है, हाउएवर इफेक्टिव लर्निंग ओनली अकर्स व्हेन अ लर्नर कैन एग्जीक्यूट ऑल फोर स्टेजेस ऑफ मॉडल। इफेक्टिव लर्निंग तभी होगी जब एक लर्नर चारों की चारों स्टेजेस अपनी लर्निंग में अप्लाई करेगा, बात बिल्कुल क्लियर होगी, डिटो क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, लर्निंग स्टाइल्स की बात करें, लर्निंग स्टाइल देखो हर बच्चे का अलग होता है। लाइक अगर मैं डाइवर्जिंग नेचर का हूं तो क्या पता आप असिमिलेटिंग नेचर के हो, अगर आप असिमिलेटिंग नेचर हो क्या पता आपका दोस्त कन्वर्जिंग नेचर का हो। ठीक है, इनकी सारी क्वालिटीज अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो नेचर है, जो लर्निंग स्टाइल्स हैं डाइवर्जिंग असिमिलेटिंग कन्वर्जिंग अकोमोडेटिंग, ये लर्निंग स्टाइल्स हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका अभी तक सोशल एनवायरनमेंट कैसा रहा है, आपकी मॉरल वैल्यूज क्या है, आपकी डेवलपमेंट के टाइम आपके एनवायरनमेंट कैसा था, समझ रहे हो, इन सब चीज पे आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब चीज पे ये लर्निंग स्टाइल्स डिपेंड करते हैं, बिल्कुल बात क्लियर। ठीक है, लर्निंग स्टाइल्स किस पे डिपेंड करता है आपको पता लग गया। देखो डिफरेंट पीपल नेचुरली प्रेफर अ सर्टेन सिंगल डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, बिल्कुल सही है, हर बंदे का अलग लर्निंग स्टाइल होता है। ठीक है, बट वो इन्फ्लुएंस किस होता है, आपके सोशल एनवायरनमेंट से, एजुकेशन एक्सपीरियंस से और आपके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से बेसिक। ठीक है, वट एवर इन ये भाई हम पढ़ चुके हैं, बस आपको एक बार दिखा रहा हूं। देखो मैंने आपको काफी चीजें ऐसा होता है मैं बता दी है, अब आपको वही चीज लिखी हुई दिखा रहा हूं ताकि आपको वो चीज जब आप पढ़ो एक बार फिर से रिमाइंड दे। वट एवर इन्फ्लुएंसेज द चॉइस ऑफ स्टाइल द लर्निंग स्टाइल इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ टू पेयर ऑफ वेरिएबल्स, बिल्कुल सही है। लर्निंग स्टाइल आपको कोई भी हो, लर्निंग स्टाइल आपको डाइवर्जिंग हो, असिमिलेटिंग हो, कन्वर्जिंग हो, फीलिंग अकोमोडेटिंग हो, बट वो हमेशा प्रोडक्ट होगा किसका, पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन से, फील वॉच फील एंड वॉच, है ना, वॉच एंड थिंक एंड वॉच, डूइंग एंड थिंकिंग थिंक एंड डू, समझ रहे हो। तो ये ऑन टू सेपरेट चॉइसेस दैट वी मेक विच कॉल प्रेजेंटेड एज अ लाइन ऑफ एन एक्सिस ईच विद कंफ्लिक्टिंग मोड्स एट अदर एंड, ये बताया ना ये कंफ्लिक्टिंग मोड्स हैं, ये कंफ्लिक्टिंग मोड्स हैं, क्लियर बात। तो ये पूछ लेगा कि
लाइन ऑफ एक्सिस के एंड पे जो चीजें होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कंफ्लिक्टिंग मोड्स, बात क्लियर, या फिर वेरिएबल, बात क्लियर। अब आ जाओ अभी ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस देख लिया, अब दो चीजें हो जाती है, प्रोसेसिंग कंटिन्यूम और परसेप्शन कंटिन्यूम, दोनों बिल्कुल सेम चीजें पढ़ चुके हैं, बस आपको मुझे आपकी प्रीवियस नॉलेज की चीज अभी कनेक्ट कराऊंगा, आप दो मिनट में पकड़ जाओगे, ठीक है। पहली बार सुन रहे हो, प्रोसेसिंग कंटिन्यूम और परसेप्शन कंटिन्यूम, ठीक है। परसेप्शन क्या होता है बताओ, परसेप्शन, परसेप्शन होती है अवधारणा, ठीक है, किसी भी चीज को रिलेटेड आपके दिमाग में उसकी अवधारणा होना, उसके लिए एक परसेप्शन होना, ठीक है। बात कोई भी पॉलिटिशियन है, फिर कोई भी टीचर है, आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में उसके लिए एक परसेप्शन होती है, ठीक है, उसके लिए एक परसेप्शन होती है जो कि जनरली सबके पास होती है, क्लियर है, क्लियर है, होती है। या फिर कोई भी एक्सपीरियंस है उसके रिलेशन भी आपके दिमाग में एक परसेप्शन होती है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस और परसेप्शन कंटिन्यूम दोनों चीज सेम है, ठीक है। परसेप्शन कैसे बनेगा, आपका एक एक्सपीरियंस से रिलेटेड, दोनों चीज सेम का मतलब ये सेम लाइन ऑफ एक्सिस पे आती है, आपका किसी भी एक्सपीरियंस को लेके परसेप्शन कैसे बनेगा, जब आप उसको पहले फील करोगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको छूके देखोगे, ठीक है, उसको देखोगे भाई साइकिल कैसी है, ठीक है, उसमें उसको एक्सपीरियंस करोगे, उसके बाद क्या, आप रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन करी, ठीक है, उसके बाद उसके बारे में कंसेप्ट बनाया, उसके बारे में सोचा, तो जब ही तो आपका एक परसेप्शन बनेगा, बिल्कुल बात। तो क्या पता लगा, जो ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस था ना, कंक्रीट एक्सपीरियंस, फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलेशन, यही तो हमारा क्या है, परसेप्शन, यही तो मैं हमारे दिमाग परसेप्शन फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल क्लियर बात है। तो ये चीज फिर से ब्लैक ले लेता हूं, ये वाला एक्सिस नॉर्थ टू साउथ, जो नॉर्थ टू साउथ वाला है, जो कि ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस की साइकिल थी, ये वाली, ये परसेप्शन कॉन्टिन्यूम भी होती है, कॉन्टिन्यूम। अब आपको बताऊं कॉन्टिन्यूम क्या होता है, देखो नीचे चलते हैं, नीचे जाएगा ये, रुको दो सेकंड, देखो कॉन्टिन्यूम क्या होता है, स्केल देखा है, स्केल देखा है, 15 सेंटीमीटर वाला देखा है, बिल्कुल देखा है, तो मिटा दो, क्लियर का, देखो ऐसा कुछ होता है स्केल, ठीक है, 15 सेंटीमीटर वाला, यहां 0 होती है, यहां 15 होता है। कॉन्टिन्यूम का मतलब क्या होता है कि जो दो एडजेसेंट चीजें है ना, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, लाइक यहाँ पे 1 और 2 कोई डिफरेंस है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट बहुत पास है। कॉन्टिन्यूम का मतलब क्या होता है, जो एक्सट्रीम एंड्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होंगे, एक दूसरे से भिन्न, देखो 1-2 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, 2-3 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बट 0 और 15 में कितना फर्क है, बहुत फर्क है ना। तो कॉन्टिन्यूम का मतलब ये होता है, कॉन्टिन्यूम का मतलब होता है स्केल, एक बेसिकली स्केल होता है, ठीक है। और स्केल जो कॉन्टिन्यूम होता है उसकी एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो एडजेसेंट एलिमेंट्स है, लाइक 1 और 2 में कुछ डिफरेंस नहीं है, बट जो एक्सट्रीम एंड्स पे है 0 और 15, देखो इनमें कितनी भिन्नता है, कितने ये भिन्नता क्या होते हैं यार, मतलब कितने अलग अलग है, भिन्न कितने अलग अलग है, समझ रहे हो, तो दोनों ये एक दूसरे से बहुत अलग है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूम की बात करी है, कहाँ पे, ये कॉन्टिन्यूम की, हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूम की बात करी है, मतलब कि देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, दिख रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूम की बात करिए, मतलब कि कंक्रीट एक्सपीरियंस और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन एक दूसरे से पूरे के पूरे डिस्टिंग्विशली अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है, ये होती कॉन्टिन्यूम। कॉन्टिन्यूम का मतलब समझ आ गया, परसेप्शन कॉन्टिन्यूम समझ आ गया, एक एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग में आपका परसेप्शन कैसा बनेगा, उसको छू के देखो, उसमें एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, उसके बाद घर आओगे, घर आओगे, उसके बारे में सोचोगे कि मैंने ऐसे से साइकिल चलाई, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करोगे और अपनी गलतियों का, फिर उस चीज को रिलेशन में एक कंसेप्ट फॉर्म करोगे सोच के, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलेशन, तो हमने क्या देखा कि जो ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस है यही तो परसेप्शन कॉन्टिन्यूम है, बात क्लियर, परसेप्शन कॉन्टिन्यूम। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे ये, उसके बाद है प्रोसेसिंग कंटिन्यूम, क्या आता है प्रोसेसिंग कंटिन्यूम, जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस था यही प्रोसेसिंग कंटिन्यूम है,
जिसमें हम इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस को प्रोसेस करके अगली चीज में अप्लाई करते हैं। बिल्कुल बात क्लियर। साइकिल की जो इंफॉर्मेशन, साइकिल का मुझे साइकिल कैसे चलानी है, कैसे बैलेंस होती है, उस चीज को प्रोसेस करके अगली चीज में अप्लाई करना, ये ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस था। और यही प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यू में, क्लियर है बात। तो ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस और परसेप्शन, क्योंकि दोनों में इंफॉर्मेशन ग्रेस्प करना है, उसके बारे में परसेप्शन होना एक चीज, एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करना कैसे, पहले इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे ना, उसके ट्रांसफॉर्म करोगे, तो प्रोसेसिंग कंटिन्यू। बात क्लियर होगी। ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट है नॉर्थ टू साउथ, या फिर बोलू परसेप्शन कंटिन्यू सेम, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस या फिर बोलू प्रोसेसिंग कंटिन्यू। बात क्लियर। अब आ जाओ वापस। देखो ये चीज लिखना, ये चीज जरूर लिखना, कॉल्स टू कॉन्टिन्यूम इज दैट ईस्ट टू वेस्ट, देख लिया कौन सा, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस वाला, क्या कहते हैं प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूम, हाउ वी अप्रोच द टास्क, उस चीज को इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हम जो टास्क, जो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, जो हम स्कूटी चलाएंगे, उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूम। बात क्लियर। एंड नॉर्थ टू साउथ ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस इज कॉल्ड परसेप्शन कॉन्टिन्यूम, इन एक्सपीरियंस को ग्रेस्प किया, उसके बारे में परसेप्शन बनी, परसेप्शन कॉन्टिन्यू। आर इमोशनल रिस्पॉन्स और हाउ वी थिंक और फील अबाउट इट, बात क्लियर। परसेप्शन वही ना, उसके बारे में अवधारणा, हम कैसा उसके बारे में महसूस और कैसा सोचते हैं उसके बारे में, अवधारणा। बात क्लियर, सिंपल, याद हो गया। चलो उसके बाद, वी कैन नॉट परफॉर्म द बोथ वेरिएबल्स ऑन अ सिंगल एक्सिस एट द सेम टाइम, आवर लर्निंग स्टाइल इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चॉइसेस डिसीजन, कि हम जो क्या बोलते, वी कैन नॉट परफॉर्म बोथ वेरिएबल्स ऑन सिंगल एक्सिस एट द सेम टाइम, मतलब कि किसी का भी लर्निंग स्टाइल, कंक्रीट एक्सपीरियंस और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट का प्रोडक्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा ये जो दो एक्सिस है, दो कंटिन्यूम है, कौन कौन से, प्रोसेसिंग कंटिन्यूम और परसेप्शन कंटिन्यूम, इन्हीं के बीच मिलेगा, ठीक है। मतलब वही बात है कि इन दो एक्सिस का प्रोडक्ट ही हमेशा एक लर्निंग स्टाइल बनाएगा, एक्सट्रीम से आप कोई भी एक लर्निंग स्टाइल नहीं बन पाएगा। होगी बात क्लियर, ये लिख लिया होगा कॉपी में, थोड़ा साफ लिखना भाई। हाँ, ये मैंने थोड़ा भांड के लिखा होगा, साफ लिखना। अब आ जाओ लर्निंग स्टाइल पे, अब आ जाओ, डाइवर्जिंग बच गया, असिमिलेटिंग बच गया, कन्वर्जिंग बच गया और अकोमोडेटिंग बच गया। अब आ जाओ इस पे, इतनी बढ़िया चीज हो जाएगी ना, तो क्लास कितने देख लो, 47 मिनट होगी, इतनी अच्छी तरीके से हो जाएगी ना, देखो। अब हम जो हमने पढ़े हैं लर्निंग स्टाइल, डी अस्सी को अक्को, डी अस्सी को अक्को, अब आंख बंद कर लो, जरा आंख बंद कर लो, कर लिया आंख बंद, पूरा सामने विजुलाइज हो रहा है, विजुलाइज हो रहा है। देखो जो मैं ये धीरे धीरे आपकी विजुलाइजिंग और बढ़ाऊंगा ना, इससे आपको बहुत फायदा होगा, मेरी बात मानना, जो चीज करवाना हो करो। आंख बंद कर ली, सामने कॉल्ब जी का चार्ट दिख रहा है, कॉल्ब जी का ग्राफ दिख रहा है, क्या बोलते हैं यार इसको, ग्राफ ही कहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे दिख रहा है। ऊपर क्या है, कंक्रीट एक्सपीरियंस मतलब फीलिंग, साइड में क्या है, फील करने बाद आपको क्या करोगे, उस चीज को रिव्यू करोगे, मतलब रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन या फिर वॉचिंग, ठीक है, उस चीज के बारे में फिर आप सोचोगे, उसके बारे में जो आपने गलती करी उसके बारे में, या फिर एक जर्नलाइज एक कंसेप्ट बनाओगे, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन या फिर थिंकिंग। नेक्स्ट एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन लाइक डूइंग, उसको करके देखोगे, ठीक है, ये बात याद होगी। लर्निंग स्टाइल्स, फर्स्ट में डी मतलब डाइवर्जिंग, नेक्स्ट अस्सी, अस्सी मतलब असिमिलेटिंग, नेक्स्ट को मतलब कन्वर्जिंग, और फोर्थ अक्को, अक्को मतलब अकोमोडेटिंग। बात क्लियर होगी, बात क्लियर। डी मतलब ऊपर क्या था, फीलिंग, इस साइड क्या था, वॉचिंग। डाइवर्जिंग मतलब फील एंड वॉच, डाइवर्जिंग मतलब फील एंड वॉच, होगी बात क्लियर। नेक्स्ट अस्सी, अस्सी मतलब असिमिलेटिंग, वॉच एंड थिंक, वॉच एंड थिंक। असिमिलेटिंग बाद को मतलब कन्वर्जिंग, नीचे क्या है, थिंक एंड डू, थिंक एंड डू। उसके बाद अक्को, अक्को मतलब डू एंड फील, होगी बात याद, ये बात याद होगी। अब देखते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखो आ जाओ, आपको पता है डाइवर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है बताओ, डाइवर्जिंग होता है एक चीज को लेके बहुत तरीके से सोचना, पता है डाइवर्ज, हिंदी वालों के लिए बताऊं डाइवर्जिंग का मतलब, दो सेकंड रुकना,
भाई नेट पे भिन्न दिखा रहा है डाइवर्जेंट का, डाइवर्जिंग का। अब होता है ना डाइवर्जिंग क्या होती है, डाइवर्जिंग होती है अगर आपके पास एक पॉइंट है उसके बारे में बहुत तरीके से सोचना। डाइवर्जिंग एक बेसिक मीनिंग क्लियर है। डाइवर्जेंट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्या होते हैं डाइवर्जेंट क्वेश्चन, वो होते हैं उसमें एक चीज को लेकर आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिलते हैं, वो होते हैं डाइवर्जेंट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि आपके पास एक पॉइंट है उसको अलग अलग नजरिए से देखना, वो होती है डाइवर्जिंग। क्लियर है बात। डाइवर्जेंट क्वेश्चन आपको बताऊं, एक होते हैं डाइवर्जेंट क्वेश्चन, जैसे हम पजल देते हैं कि अगर आप मान लो आपके सामने आप जंगल में गए और आप वहां फंस गए, आपके सामने शेर आया, आपने क्लास में पूछा, सबका एक जवाब नहीं मिलेगा, कोई बोलेगा सर पेट भी चढ़ जाएंगे, कोई बोलेगा सर भागेंगे, कोई बोलेगा सर लेट जाएंगे, कोई बोलेगा सर उसको उसको आराम से प्यार से बुलाएंगे। ठीक है, सबके अलग आंसर होंगे, समझ रहे हो। तो यही होता है जिसके बहुत सारे चीजें, बहुत सारी चीजों से एक पर्सपेक्टिव मिल पाए, मतलब कि क्लोज एंडेड नहीं होते, ओपन एंडेड होते हैं, जिसके एक से ज्यादा चीजों के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग का मतलब समझ आ गया, किसके बीच में, फील एंड वॉच के बीच में। ठीक है, अब देखो लर्नर्स विद डाइवर्जिंग, देखो अब ये चीज है, ये आपको पता भी नहीं लगेगा कब याद करवा दूंगा, याद हो जाएगी अभी साथ ही साथ याद हो जाएगी। देखना, लर्नर्स विद डाइवर्जिंग स्टाइल्स आर सेंसिटिव एंड एबल टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। डाइवर्जिंग का मतलब याद हो गया, सेंसिटिव मतलब होता है जो चीजों को एकदम से पकड़ पाए। हम बोलते हैं ना कि यार मैं तो बुखार से बहुत सेंसिटिव हूँ या फिर ठंड से बहुत सेंसिटिव हूँ, क्यों, क्योंकि भाई एकदम से अगर ठंड आती है एकदम से उनको बुखार हो जाता है, सेंसिटिव चीज है ना। तो वैसे सेंसिटिव का मतलब, सेंसिटिव का मतलब होता है किसी भी चीज को एकदम से पकड़ लेना। ठीक है, तो डाइवर्जिंग लोग किसी भी एक माइन्यूट डिटेल्स के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो एकदम से पकड़ लें, क्यों, क्योंकि उनको तो एक चीज से बहुत सारे आइडिया निकाल लें, उनको एक चीज से बहुत सारे आइडिया निकाल लें, तो उनको सेंसिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चीजें पकड़ेंगे नहीं तो इतनी अलग अलग वेज में सोचेंगे कैसे। ठीक है, एंड एबल टू लुक एट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अब डाइवर्जिंग है ना, अब उसको एक चीज को अलग अलग नजरिए से देखना ही पड़ेगा, बात क्लियर। डाइवर्जिंग का मतलब समझ आया, इसकी बेसिस पे दो लाइन थी। दे प्रेफर टू वॉच रेदर देन डू, ये देखना पसंद करते हैं, ये देखना पसंद करते हैं। देखना क्या, वॉच, वॉच मतलब रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ये हर चीज का रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग में सोचते हैं और देखना पसंद करते हैं। ठीक है, टेंडिंग टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड यूज इमेजिनेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखेंगे उसके बाद इंफॉर्मेशन ग्रेस्प करेंगे, उसके बाद इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इमेजिनेशन भी एक तरह की डाइवर्जेंट चीज होती है, डाइवर्जेंट क्योंकि इमेजिनेशन हमारी कुछ भी हो सकती है ना, कि यार रात को सपना है या फिर मैं सोच रहा था मेरे पास पंख लग गए हैं, बच्चों की बात है, मेरे पास पंख लग गए, मैं ऊपर उड़ने लग गया, फिर मुझे वहां डोरेमोन मिला, समझ रहे हो। तो इमेजिनेशन डाइवर्जेंट होती है, समझ रहे हो। ठीक है, तो वो देखना पसंद करेंगे, मतलब वॉच, और उसके बेसिस पे एक इमेजिनेशन आती है, आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, डाइवर्जिंग आएगी। इमेजिनेशन आती है, आपको पता होना चाहिए डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल आएगा। ठीक है, अब क्योंकि उन्हें एक पॉइंट के, क्योंकि उन्हें एक पॉइंट से बहुत सारे पर्सपेक्टिव चाहिए, तो वो अकेले से काम नहीं चलेगा, वो ग्रुप्स में काम करना प्रेफर करेंगे, ग्रुप्स में काम करना प्रेफर करेंगे। To listen with an open mind, और open mind सुनेंगे ताकि उन्हें अलग अलग perspective मिल पाए, and receive personal feedback और अपना feedback और feedback ले पाए ताकि उन्हें पता लगे क्या उन्होंने गलती करी है। बात क्लियर। इतना बड़ा पैराग्राफ, ये सारा अब आपको याद हो चुका है, एक और करते हैं। डाइवर्जिंग एक पॉइंट से अलग अलग, उसको अलग परस्पेक्टिव सोचना। ठीक है, पहली बात वो सेंसिटिव होंगे, सेंसिटिव क्यों होंगे, अगर वो सेंसिटिव नहीं हुए तो वो माइन्यूट डिटेल्स को पकड़ नहीं पाएंगे, अगर माइन्यूट डिटेल्स को पकड़ नहीं पाए तो उन्हें अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा कैसे। ठीक है, दूसरा वो हर चीज को बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्लियर। तीसरा वो देखना पसंद करते हैं रेदर देन डू, देखो क्या है, फीलिंग एंड वॉचिंग, फीलिंग एंड वॉचिंग, तो वो देखना पसंद करते हैं करने के बजाय, और इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और इमेजिनेशन के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फोर्थ,
क्योंकि उन्हें हर चीज का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए, तो वो ग्रुप में काम करना पसंद करेंगे, बिल्कुल सही है, और एक ओपन माइंड से अपना सुनेंगे पॉइंट्स को और अपना पर्सनल फीडबैक लेंगे। बात क्लियर? पेपर में आते सवाल इसलिए करवा रहा हूँ, है ना, ऐसा कोई भी नहीं करवाएगा आपको, फिर से बता रहा हूँ। लास्ट में जब सवाल करके देखो ना 18 सवाल, फिर बताना कुछ रहेगा तो, ठीक है। असिमिलेटिंग आ जाओ, असिमिलेटिंग डी एस सी 80। देखो एक बार इसको रब कर दूं मैं, डिलीट, ठीक है। देखो जितने भी लर्निंग स्टाइल है ना, ये दो सेकंड, जितने भी लर्निंग स्टाइल है, देखो अगर डाइवर्जिंग है ना, डाइवर्जिंग क्या है, फील एंड वॉच, इसमें फील एंड वॉच में ज्यादा डोमिनेंट वॉच होगा, मतलब कि नेक्स्ट वाला डोमिनेंट होगा, ठीक है। डाइवर्जिंग में क्या फील एंड वॉच है, किसके बीच में, कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, तो ज्यादा डोमिनेंट वॉच होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, असिमिलेटिंग, वॉच एंड थिंक, क्या है इससे नेक्स्ट, क्या है असिमिलेटिंग, नेक्स्ट क्या है थिंक, तो ज्यादा डोमिनेंट क्या होगा, थिंक। कन्वर्जिंग, थिंक एंड डू, कन्वर्जिंग नेक्स्ट कौन सा, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, तो डू, डू ज्यादा क्या हुआ, डू ज्यादा क्या हुआ, डोमिनेंट। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और कंक्रीट एक्सपीरियंस, ज्यादा डोमिनेंट क्या होगा, फील है ना, फील। बात क्लियर? ये एक याद करने का तरीका है, वो अब बताऊं कैसे। डाइवर्जिंग किसके बीच में आता है, फीलिंग एंड वॉचिंग के बीच में, क्योंकि नेक्स्ट वॉच है तो वॉच ज्यादा डोमिनेंट रहेगा। अगला डी असिमिलेटिंग, वॉच एंड थिंक है तो ज्यादा डोमिनेंट थिंक होगा। अगला कन्वर्जिंग, थिंक एंड डू, तो ज्यादा डोमिनेंट डू होगा। और अगला क्या, अकोमोडेटिंग, फील एंड डू, तो ज्यादा डोमिनेंट फील होगा, मतलब कि डाइवर्जिंग से अगला कौन सा, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन वॉचिंग, तो वॉच, इससे अगला क्या है, थिंक, तो थिंक डोमिनेंट, कन्वर्जिंग से अगला डूइंग, तो डूइंग डूइंग डोमिनेंट, और कंक्रीट एक्सपीरियंस, तो फीलिंग, ठीक है, इन दोनों में से बता रहा हूँ। चलो आगे बताइए, असिमिलेटिंग, असिमिलेटिंग क्या है, वॉच एंड थिंक, डोमिनेंट कौन सा होगा, असिमिलेटिंग से अगला कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन मतलब थिंकिंग, तो इसमें थिंकिंग ज्यादा डोमिनेंट होगा। इसमें ज्यादा ध्यान जिसका भी लर्निंग स्टाइल है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया रोहन, रोहन का इसमें डोमिनेंट थिंकिंग होगी, वॉचिंग एंड थिंकिंग में से भी ज्यादा डोमिनेंट थिंकिंग होगी। लर्नर्स विद एन असिमिलेटिंग लर्निंग स्टाइल्स आर लेस फोकस ऑन पीपल एंड मोर इंटरेस्टेड इन आइडियाज एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इनको लोगों से लेना देना कुछ होता नहीं है, रोहन को किसी भी लोग से कुछ लेना देना नहीं है, बस इसको क्या चाहिए, क्योंकि डोमिनेंट क्या, थिंकिंग, इसको सोचने का कुछ चीज चाहिए, तो इसके लिए जो मैटर करता है वो बस आइडियाज और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, इसके लिए कुछ मैटर करता ही है, इसके लिए कुछ चीज मैटर नहीं करती, इसके लिए बस मैटर करता है आइडियाज और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ताकि वो सोच पाए, ठीक है, ताकि वो सोच पाए। बताया डोमिनेंट थिंकिंग हुआ, तो सारी चीज थिंकिंग से रिलेटेड मिलेंगी। दे आर मोर अट्रैक्टेड टू लॉजिकली साउंड थ्योरीज, लॉजिकली साउंड थिंकिंग है ना, तो ये लॉजिकली साउंड थ्योरीज, जो थ्योरीज जो लॉजिकल है, उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, है ना। देन अप्रोचेज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल वैल्यू, तो ये क्योंकि ये थिंकिंग है, इनको प्रैक्टिकल से लेना देना कुछ नहीं है, तो किस थ्योरी पे क्या बोलते हैं, इनके लिए किस पे अट्रैक्ट करेंगे, जो कि लॉजिकली साउंड है, जो कि बस थ्योरीज जो बोलने में लॉजिकल लगती हैं, है ना, इनको प्रैक्टिकल थ्योरी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि थिंकिंग इनका काम क्या है, सोचना, ठीक है। और क्योंकि इन्हें सोचना है, तो सोचने के लिए आइडियाज भी चाहिए होंगे भाई, है ना, सोचने के लिए आइडियाज भी चाहिए होंगे, तो क्या भाई, रीडिंग करेंगे, लेक्चर सुनेंगे, एक्सप्लोरिंग एनालिटिकल मॉडल, एनालिटिकल मॉडल देखेंगे, और हैविंग टाइम टू थिंक थिंग्स थ्रू। तो कुछ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आप एक ग्रुप में बैठे हो, है ना, और चल पड़ी है बात बिग बैंग थ्योरी की, चल पड़ी है, तो क्या आप कुछ आइडिया वहां पे अपने रख पाओगे, अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता, नहीं रख पाओगे, बट अगर आपने उसके बारे में कुछ चीजें पढ़ी है तो वहां आइडिया रख पाओगे। तो इनको यही चीज चाहिए कि इनको चीजें सोचने, इनको सोचना है, तो सोचने के लिए चीज क्या चाहिए, उस टाइम अगर बिग बैंग थ्योरी पे अगर आप बैठे हो, तो बैठे बैठे कुछ सोच पाओगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में, अगर आपने कुछ पढ़ा ही ना हो तो नहीं सोच पाओगे। तो इनका काम क्या, इनका अल्टीमेटली गोल है थिंकिंग, और थिंकिंग आती कैसे, रीडिंग से, लेक्चर से, एनालिटिकल मॉडल्स को क्या करने, एक्सप्लोर करने से, मतलब एनालिटिकल मॉडल्स मतलब सिंपल मॉडल्स, ठीक है, और सोचने का मौका मिलना चाहिए। बात क्लियर?
बिल्कुल बात क्लियर। आ जाओ कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्या, नीचे क्या, थिंकिंग एंड डूइंग। क्योंकि कन्वर्जिंग से अगला डूइंग है तो डोमिनेंट क्या हो जाएगा, डूइंग। ठीक है, इसको आप कैसे लिखना, इसको आप ऐसे लिखना, ये जो फीलिंग एंड वॉचिंग इसको सेम मत लिखना, इसको बताऊंगा कैसे लिखना आपको, इसको ऐसे लिखना आपको। देखो डोमिनेंट कौन सा, इनमें से बताओ डोमिनेंट कौन सा है, वॉचिंग डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, तो इसको लिखना वॉचिंग एंड फीलिंग। ठीक है, कैसे लिखोगे इसको, वॉचिंग एंड फीलिंग। क्लियर है बात, क्या लिखोगे, वॉचिंग एंड फीलिंग। जो डोमिनेंट है उसको पहले लिखना ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि इसमें चीजें ज्यादातर बंदा वॉच करेगा। ठीक है, इस पे मैं जिस पे डब्बा मार रहा हूँ फर्स्ट में लिखना है। ठीक है, इस पे डब्बा लगा दिया, डाइवर्जिंग ब्रैकेट में लिखोगे वॉचिंग एंड फीलिंग, असिमिलेटिंग थिंकिंग एंड वॉचिंग, ये आपको पता है, कन्वर्जिंग डूइंग एंड थिंकिंग, इसमें बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, इसमें बच्चा डूइंग है ना। देखो कन्वर्जिंग से अगला कौन सा, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, तो डूइंग एंड थिंकिंग के बीच में आ रहा है, थिंक एंड डू, बट इससे अगला कौन सा, डूइंग, तो डोमिनेंट क्या हुआ, डूइंग, इसमें बच्चा का ध्यान है डूइंग होगा। लर्नर्स कन्वर्जिंग क्या होती है, कन्वर्जिंग होती है सारे बिंदु एक पॉइंट पे आके मिलना। डाइवर्जिंग क्या होती है, एक बिंदु से कई पॉइंट निकलना। कन्वर्जिंग क्या होती है, सारे बिंदु एक पॉइंट पे आके मिलना। लर्नर्स विद कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्योंकि इनको एक पॉइंट पे आना है, फाइनली कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे आना है, इनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, और क्योंकि डूइंग है तो इनको प्रैक्टिकल चीजों के सॉल्यूशंस निकालने में मजा आता है। क्लियर है बात, क्योंकि डूइंग है, डूइंग मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। ठीक है, क्योंकि उन्हें एक पॉइंट पे आना है, तो एक पॉइंट मतलब क्या, अगर मैं बोलूं आपसे बच्चे 5 + 2 + 3 - 10 = कितना हुआ, तो एक पॉइंट सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन है, वो कन्वर्जिंग क्वेश्चन है, उसका एक ही आंसर होगा। तो इन कन्वर्जिंग मतलब इनको फाइनली इनका एम होता है सॉल्यूशन निकालना, और सॉल्यूशन निकालना, और क्योंकि डूइंग इसमें डोमिनेंट है, डूइंग इसमें डोमिनेंट है, तो वो प्रैक्टिकल चीजों के सॉल्यूशंस निकालेगा। बात क्लियर, डूइंग है, डूइंग मतलब वो टेक्निकल टास्क, मतलब प्रैक्टिकल टास्क पे ज्यादा फोकस रखेगा, प्रैक्टिकल टास्क पे ज्यादा फोकस रहेगा, और लेस कंसर्न विद पीपल, उससे लोगों से कोई मतलब नहीं रहेगा। क्लियर बात, दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन बाय फाइंडिंग सॉल्यूशन टू क्वेश्चन द प्रॉब्लम्स, वही सिंपल चीज है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते ताकि उसका सॉल्यूशन निकल पाए। दे लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू आइडियाज टू स्टिमुलेट एंड टू वर्क विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, उनका डोमिनेंट फीचर क्या, डूइंग का, तो वो नए नए आइडिया से एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि वो सॉल्यूशन निकाल पाए किसी भी प्रैक्टिकल चीज का। क्लियर है बात, होगी बात क्लियर, कन्वर्जिंग एक पॉइंट पे आना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं किसके, प्रैक्टिकल इश्यूज के। ठीक है, क्योंकि डूइंग इनका एक डोमिनेंट फीचर है, तो इन्हें टेक्निकल टास्क पसंद होंगे, टेक्निकल टास्क पसंद होंगे। ठीक है, लोगों से कोई लेना देना नहीं होगा इनको। उसके बाद मेन इन क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्यूशंस निकालना। ठीक है, नए नए आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे वर्क कर सके, सिंपल बात है। क्लियर है बात, अकोमोडेटिंग फील एंड डू, मेन इनका डोमिनेंट क्या चीज होगी, फीलिंग होगी, क्योंकि फील आ गया इसके, तो डोमिनेंट क्या होगा, फील। फील मतलब देखो यहां पे डूइंग था, तो एक प्रैक्टिकल इश्यूज पे ना सॉल्यूशन निकालना काम था। अब फील, कंक्रीट एक्सपीरियंस, अब ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे, अब ये यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे क्योंकि कंक्रीट एक्सपीरियंस। ठीक है, द अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल इज हैंड्स ऑन, कुछ करके सीखना, क्योंकि डूइंग इनका क्या है, डूइंग इनका क्या है, क्या डूइंग डोमिनेंट चीज है। ठीक है, रिलाइज ऑन इंट्यूशन रेदर देन लॉजिक, इन लॉजिक से कोई मतलब नहीं, इंट्यूशन जो अंदर से आ रही है, जो अंदर से चीज आ रही है। देखो दो चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या है, पहले फिलहाल समझो, रिलाइज ऑन इंट्यूशन। इंट्यूशन यहां पे दोनों केसेस में बोल रखा है, एक इंट्यूशनल थिंकिंग होती है, एक इंट्यूशन होता है। इंट्यूशन क्या होता है, जो आपकी गट फीलिंग होती है, अंदर से आती है, जो गट फीलिंग होती है कि यार मुझे लग रहा है धोनी अगली बार छक्का मारेगा। ठीक है, लग रहा है, जो अंदर से आती है, मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है। ठीक है, या फिर मुझे लग रहा है इंडिया हार जाएगी, समझ रहे हो, गट फीलिंग समझ रहे हो आप क्या बताना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, दीज लर्नर यूज अदर पीपल, देखो इनको लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, इनको
मतलब खुद काम करने से मतलब नहीं है, खुद कुछ एक लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, है ना, इनको दूसरों का एनालिसिस या दूसरों का लॉजिक पसंद आएगा, ठीक है। एंड प्रेफर टू टेक अ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, क्यों, इसमें फीलिंग है ना, कंक्रीट एक्सपीरियंस, ये दूसरों लोगों का एनालिसिस उठाएंगे कि भाई रोहन ने ना, रोहन ने ये सोचा है कि ऐसे ऐसे कश्ती बन सकती है, एक मॉडल था तैयार किया देखना पेपर पे। अब उनको, जैसे मैं हूं, मैं अकोमोडेटिंग होता तो मैं उस रोहन जिसने वो कश्ती का मॉडल बनाया है उसको ले लूंगा, उसको देखूंगा, मतलब पेपर ऑन पेपर उसको मैं खुद बना के देखूंगा, मैं दूसरे का एनालिसिस मैं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मेरा लर्निंग स्टाइल अकोमोडेटिंग है, तो मुझे फीलिंग, मुझे कंक्रीट एक्सपीरियंस मिल जाता है, मुझे हैंड्स ऑन मिल जाता है, तो मैं बनाऊंगा उसको, ठीक है। तो प्रेफर टू टेक अ प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, क्लियर बात। दे आर अट्रैक्टेड टू न्यू चैलेंजेस एंड एक्सपीरियंस एंड टू कैरिंग आउट प्लान्स, कैरिंग आउट प्लान्स, प्लान तो बना दिया उसको कैरी आउट करना, उसको हैंड्स ऑन लाना, बात क्लियर। दे प्रेफर टू वर्क इन टीम्स टू कंप्लीट टास्क, वो टीम में काम करना पसंद करते हैं, और दे सेट टारगेट एंड एक्टिवली वर्क इन फील्ड ट्राइंग डिफरेंट वेज टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, वो टारगेट सेट करते हैं और एक्टिवली काम करते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, ठीक है। बात क्लियर। अकोमोडेटिंग, डोमिनेंट फीलिंग, इसका डोमिनेंट क्या है, फीलिंग, ये समझ आ गया ना, डोमिनेंट कैसे बता रहा हूं मैं आपको, डाइवर्जिंग है, किसके बीच में है, फीलिंग और साइकिल, ऐसे चलो साइकिल ऐसे चलो, फीलिंग एंड वॉचिंग के हिसाब से। तो नेक्स्ट कौन सा है, वॉचिंग, तो इसका डोमिनेंट वॉच होगा। थिंकिंग एंड वॉचिंग, असिमिलेटिंग क्या है, थिंक एंड वॉच, अगला क्या है, थिंक, तो डोमिनेंट थिंक होगा। कन्वर्जिंग क्या है, थिंक एंड डू, अगला क्या है, डूइंग, तो डूइंग इसका क्या होगा, डोमिनेंट होगा, समझ रहे हो। तो ये चीज है, इस हिसाब से बता रहा हूं मैं, बातें क्लियर है। चलो एक बार फिर से देख लो, डाइवर्जिंग, उसको एक पॉइंट से बहुत सारे भिन्न भिन्न अलग अलग पॉइंट्स में जाना है, क्लियर है बात। तो क्या करेगा वो, पहली बात उसको सेंसिटिव होना पड़ेगा, उसको सेंसिटिव होना चाहिए, वो हर एक चीज को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेगा, क्लियर है बात। तीसरा, क्योंकि इसका डोमिनेंट वॉच है तो ये करने के बजाय वॉचिंग इसका डोमिनेंट होगा, क्लियर है बात। इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा और इमेजिनेटिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्योंकि इमेजिनेशन ही एक डाइवर्जिंग का अलग रूप है, ठीक है। ग्रुप्स में काम करना पसंद करेगा। अब देखो, एक आपको यहाँ पे डाउट हो रहा होगा, सर यहाँ पे तो ग्रुप्स में काम करना पसंद कर रही है और यहाँ पे ये टीम्स में काम पसंद करना कर रहा है, तो ग्रुप और टीम्स में फर्क क्या होता है, ग्रुप्स और टीम में फर्क क्या होता है, देखो देखो ये निकालो, दिख रहा होगा, ग्रुप में एक्ट एज इंडिविजुअल, आप एक इंडिविजुअल, आपकी एक इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो कार बनती है, ठीक है, वो कार ऐसी नहीं बनती कि एक ही बंदा सारे काम करेगा, भाई राहुल तू कार का डिजाइन करेगा, पंकज तू कार के चेसिस को डिजाइन करेगा, ये तू टायर डिसाइड करेगा, और लास्ट में इंजीनियरिंग की मॉडल कैसा बनाया जाए वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। तो उसमें हर बंदे के इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। टीम में, टीम पूरी एक्ट एज यूनिट करती है, टीम पूरी एक यूनिट की तरह एक्ट करती है, एक कोलैबोरेटिव अकाउंटेबिलिटी होती है, मिलजुल कर, क्लियर है बात, होगी बात, ठीक है। तो ये ग्रुप में काम करना पसंद करेंगे, क्यों, क्यों, क्योंकि इनको तो अलग अलग आइडियाज चाहिए, इनको तो अलग अलग पर्सपेक्टिव चाहिए, तो ग्रुप में काम करेंगे तभी तो अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेंगे, ठीक है। और ओपन माइंड से पर्सनल फ्रीडम लेते हैं ताकि, और इनको क्या बोलते हैं, अलग अलग पॉइंट्स या फिर अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल सके, ठीक है। असिमिलेटिंग, वॉच एंड थिंक, डोमिनेंट क्या, थिंक, इनका प्योर मतलब होता है सोचने से, इन थिंक करने से, क्लियर है बात। इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, असिमिलेटिंग वालों को, इनको बस आइडियाज और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, क्यों, क्योंकि भाई इनको तो सोचना है, बस इनको सोचना है। इनको लॉजिकली साउंड थ्योरीज पसंद आती हैं, क्यों, क्योंकि सोचना है इनको, इनको प्रैक्टिकल थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, क्लियर है बात। अब सोचना है तो उसके लिए पहले कुछ इंफॉर्मेशन होनी भी चाहिए, तो ये रीड, लेक्चर रीड करते हैं, एनालिटिकल मॉडल्स को देखते हैं, ठीक है, और बस ये चीज है। कन्वर्जिंग, डूइंग थिंग, डोमिनेंट क्या, डूइंग, ठीक है। कन्वर्जिंग क्या, बहुत सारी चीजों का एक पॉइंट पाना, मतलब इनको सॉल्यूशन से मतलब है, इनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, और खासकर कौन से प्रॉब्लम्स का,
प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्यों डूइंग वाले है ना, इनको टेक्निकल टास्क पसंद है क्योंकि डूइंग वाले बंदे हैं और इनको बंदों से बाकी पीपल से कोई लेना देना नहीं है, है ना। लेस कंसर्न विद पीपल इंटरपर्सनल एस्पेक्ट, दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन बाय फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन प्रॉब्लम्स, वही है इनको सॉल्यूशन निकालना है क्वेश्चन क्वेश्चंस का और प्रॉब्लम्स का, सिंपल चीज है। और एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट्स के साथ आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करना और फाइनली इसको सॉल्यूशन निकालना। अकोमोडेटिंग, फील करना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, इंट्यूशन होते हैं, इंट्यूशन क्या मतलब, अपनी गट फीलिंग पे, अपनी गट फीलिंग पे काम करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल राइट ब्रदर्स हैं, राइट ब्रदर्स जिन्होंने प्लेन बनाई थी, अगर वो अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल होते हैं, वो क्या करते हैं कि यार पक्षी ऐसे हैं तो मुझे लगता है कि अगर मैं जो चीज जो मैं प्लेन बना रहा हूँ अगर उसका थोड़ा सा सेम सिमिलर लुकिंग मॉडल बना दो तो क्या पता उड़ जाए, इंट्यूशन, गट, ठीक है। लॉजिक उनका अभी था नहीं कुछ, गट फीलिंग होती जो, ठीक है, मतलब एक इंट्यूशन यार, एक जो अंदर से अपने आप चीज आ जाती है जो हम खुद बैठ के सोचते नहीं है, समझ रहे हो। दीज लर्नर्स यूज अदर पीपल्स एनालिसिस, दूसरों का एनालिसिस इस्तेमाल करके खुद की एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यूज करते हैं क्योंकि ये फीलिंग वाले, कंक्रीट एक्सपीरियंस वाले, इनको नए चैलेंजेस और एक्सपीरियंस और प्लान्स को कैरी आउट करने में मजा आता है, ठीक है। ये टीम्स में काम करते हैं, डाइवर्जिंग वाले ग्रुप्स में काम करते हैं, अकोमोडेटिंग वाले टीम्स में काम करते हैं और एक टारगेट सेट करते हैं ताकि उसको अचीव करते हैं, सिंपल चीज है, ठीक है। 2 सेकंड रुकना, कॉल आ रहा है, ठीक है भाई, बात क्लियर। लर्निंग स्टाइल इज इन्फ्लुएंस, हमने पढ़ लिया कि जो लर्निंग स्टाइल्स है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, लर्निंग सिचुएशन से, एक्सपीरियंस से, मोटिवेशन से, आपके सोशल एनवायरनमेंट से, है ना। एंड मे बी रिगार्डेड एज द लिंक बिटवीन पर्सनैलिटी एंड कॉग्निटिव बिहेवियर, तो लर्निंग स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी और कॉग्निटिव बिहेवियर का भी एक लिंक हो सकता है, ठीक है। किसी का लर्निंग स्टाइल अकोमोडेटिंग हुआ, किसी का लर्निंग स्टाइल क्या बोलते हैं असिमिलेटिंग हुआ, किसी का कन्वर्जिंग हुआ, तो ऐसे हो सकते हैं, ठीक है बात। अब देखो, आपने ध्यान दिया हो तो डाइवर्जिंग वाले में ना सबसे ज्यादा दिमाग लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो अलग अलग आइडियाज बना रहा है, तो लिखो डाइवर्जिंग इज द मोस्ट कॉग्निटिव अप्रोच, दिख रहा है ना, क्योंकि इनको अलग अलग आइडियाज निकालने हैं, क्लियर है। ये वाले मेरे नोट्स बने हुए हैं, देखो ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, एक बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में, इसमें मोस्टली मैंने सारी चीजें लिखी हुई है, बस इसमें कन्वर्जिंग में यही से दिख लेना जो मैंने लिखा हुआ है, कन्वर्जिंग में ये वाली लाइन जोड़ लेना, कन्वर्जिंग में ये वाली, बाकी आपको पता तो लग ही गया कि वो सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालेंगे, सिंपल चीज है ना, ये आपको पता लग गया, ठीक है, अकोमोडेटिंग वाला, ठीक है। उसके बाद कॉल्व की जो ये थ्योरी है वो बिल्ड हुई है कार्ल्स जंग की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पे, क्वेश्चन आएगा कि जो ये कॉल्ब ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थ्योरी दी ये किस पे बिल्ड हुई है, किसके बेस के ऊपर बिल्ड हुई है, कार्ल्स थ्योरी, कार्ल जंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में बिल्ड हुई है ना ये चीज, ठीक है। तो किसके ऊपर बनी हुई है जो कॉल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, कार्ल जंग की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, जो हम अगली क्लासेस में करेंगे, कौन सी थी शायद याद हो, एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, सेंसेशन वर्सेस इंट्यूशन, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, जजिंग वर्सेस परसीविंग, है ना। कैमरा साफ आ रहा क्या, थोड़ा सा ब्लैक आ रहा होगा, हाँ है ना, तो ये चीज थी, बस अभी याद रखो कि कार्ल जंग की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पे डिपेंड है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। कार्ल रॉजर्स ने एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी थी 1969 में, पर जो ये कार्ल की एक्सपीरियंशियल लर्निंग है कार्ल रॉजर्स वाली पे नहीं, कार्ल जंग की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पे बिल्ड और एक्सपेंड हुई है, बात क्लियर होगी। चलो अच्छा ये बताओ, इन सब में से हमने कहां देखा कि हम इसमें, इन सब में से कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसर्वेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें हमने कहां देखा कि हमने अपने प्रीवियस या फिर अपने एक्सपीरियंस को कनेक्ट किया हो, एक नया कंसेप्ट फॉर्म किया हो। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलेशन देखा ना कि हमने अपने जो हमने एक्सपीरियंस लिया उसको नई इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट किया हो, इसके बारे में कंसेप्ट फॉर्म किया हो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलेशन में, ठीक है। तो क्या क्या लिखना है बता दिया, ये आपने बना लिया हुआ, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे नोट्स में आ जाओ मेरे वाले में, ये सेम चीज है, ये आपने कर चुकी है, मत लिखना, ठीक है। एक लाइन ये लिखना,
ये, हाँ ये तो आपको पता लग जाएगा, ट्रांसफॉर्म एक्सपीरियंस, ग्रास्पिंग एक्सपीरियंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें लिखना ठीक है। अगर समझ आ गई तो मत लिखना, फिर से बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ ठीक है। ये चीज लिखना ठीक है, ये चीज लिखना, ये भी चीज लिखना, ये चीज लिखनी है वाली, और ये चीज लिखनी है ठीक है, ये बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्जिंग वाले जो मैं कह रहा हूँ, ये पॉइंट्स यहां से देख लो, पर इसमें एक लाइन मैंने मार्क करी ना, ये वाली मैंने लिखी नहीं है, तो ये वाली लिख लेना, बाकी आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। लास्ट में ही लिखना, कॉल पूरा खत्म हो जाएगा, क्लियर बात। चले क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो अकॉर्डिंग टू कॉल्स मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस द लर्निंग स्टाइल कैन बी, ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस अब याद करो कहां था। अच्छा आपको बना के दिखाता हूँ, आपको नया तरीका सिखाता हूँ पढ़ाने, मतलब एक चीजें सिखाने का नया चीज, नया तरीका। देखो आप इतने तरीके से कर देंगे ना, कभी भूल ही नहीं पाओगे इसको। देखो ऐसा था, कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। फीलिंग होती है, वॉचिंग होती है, थिंक करते हैं तभी तो कॉन्सेप्ट बनाते हैं, तो राइटिंग संभाल लेना, पता कि मुझे पता है कि आपने याद हो चुका है। लू क्या था, फील वॉच थिंक, यहाँ पे डी अस्सी, डी अस्सी मतलब डाइवर्जिंग, अस्सी मतलब असिमिलेटिंग, को मतलब कन्वर्जिंग, अको मतलब अकोमोडेटिंग। क्या पूछा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस, ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस कौन सा था, कौन सी साइकिल थी ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस वाली, ये वाली ना, ये वाली मतलब कि यहां से लेके ये वाली ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस थी। कंक्रीट एक्सपीरियंस, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन के बीच में कौन कौन आ रहे हैं, डाइवर्जिंग आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, असिमिलेटिंग आ रहा है, असिमिलेटिंग आ रहा है, तो ये तो पूछा है कि इसके बीच में कौन कौन से लर्निंग स्टाइल आते हैं, डाइवर्जिंग भी आता है, असिमिलेटिंग आता है, दोनों बिल्कुल सही है, तो बोथ वन एंड टू ये सारे पी बाई क्यू है ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट द कॉल्स एक्सपीरियंशियल टीचिंग लर्निंग, दिख रहा होगा सवाल, इनमें से कौन सा सही सीक्वेंस है, आईज क्लोज करो, सोचो, पहले हम कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, फील करेंगे, पहला फील, उसके बाद जो हम करें, जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसको अपने दिमाग में रिफ्लेक्ट करेंगे, खुद दिमाग में देखेंगे, वॉच, फील वॉच, उसके बाद जो हमने गलतियां करी या फिर जो भी हमें नई चीज सीखी उसके बारे में कंसेप्ट फॉर्म करेंगे, थिंक, और उस थिंक के बाद उस तो जो जो हमने कंसेप्ट बनाया चाहे तो उसको नई चीज जगह लगाएंगे, नहीं तो उसी एक्सपीरियंस में फिर से एक नई सीख लेके आगे बढ़ेंगे, तो डूइंग, तो फील वॉच थिंक डू, बताओ किसमें, फील वॉच थिंक डू, फोर्थ ऑप्शन, क्लियर है बात। अगला देख लो, अब यहां देख लो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अब खुद बता दोगे आप, इन अकॉर्डिंग टू कॉल्स मॉडल इन विच लर्निंग स्टाइल स्टूडेंट चूज टू वर्क इन ग्रुप्स Listen with an open mind and to receive personal feedback. किसमें बंदा ग्रुप में काम करेगा, कि उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिले, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिले, किसमें देखा था बताओ भाई, एक उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव चाहिए थे ना, जभी तो ग्रुप में काम करेगा, क्योंकि ग्रुप में काम करेगा तभी तो हर एक बंदे से अलग अलग पर्सपेक्टिव मिल पाएगा, कौन सा था बताओ, डाइवर्जिंग, क्लियर आ गया ना, आ गया ना, पहले आता था शायद किसी को आता था, अगर आता भी होगा तो रटर, आप लोगों ने किसी ने कुछ लोगों ने रट भी रखा हो, बट अब रटने वाली चीज नहीं, अभी याद हो चुकी है, ये अब जम चुकी है। इन विच इन कॉल्स लर्निंग स्टाइल विच वन रिफ्लेक्ट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एक्टिव एक्सपेरिमेंटर, ये याद हो गया, तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन आपको पता है नीचे आएगा और एक्टिव एक्सपेरिमेंटर यहाँ आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट ये है, दूसरा ये है, आपको पता है थर्ड चाहिए, थर्ड में क्या आएगा, डी अस्सी, डी एससी को मतलब कन्वर्जिंग, को मतलब कन्वर्जिंग, कन्वर्जेंस, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटर ने पूछे ना, इसमें पूछ लेगा कि बताओ भाई इसमें मतलब जो नीचे वाले वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, एक्टिव एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन थिंकिंग और एक्टिव एक्सपेरिमेंटर डूइंग थिंक एंड डू, क्लियर है बात। द एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल थ्योरी, क्या एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल थ्योरी, लर्निंग स्टाइल थ्योरी, हमने लर्निंग स्टाइल तो देखी है, ये लर्निंग स्टाइल तो थे, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, असिमिलेटिंग, कन्वर्जिंग, किसने दी, कॉल्ब ने दी, कॉल्ब ने दी,
ठीक है. द स्टेज इन द लर्निंग साइकिल व्हेन यू थिंक ऑफ हाउ योर न्यू एक्सपीरियंस कनेक्ट्स टू व्हाट यू ऑलरेडी नो. अभी तो हमने देखा कि किसमें हम हमारे न्यू एक्सपीरियंस को कनेक्ट करते हैं जो हमें पहले से पता है. किस लर्निंग की किस स्टेज में, साइकिल की किस स्टेज में हम कनेक्ट करते हैं न्यू एक्सपीरियंस को जो हमें पहले से पता है. ध्यान से सोचो, जो हम थिंक करेंगे, अभी मैंने बात करी थी ना जस्ट थोड़ी सी पहले, जब हम थिंक करेंगे, जब भी तो अपने न्यू एक्सपीरियंस को अपने प्रीवियस चीज से कनेक्ट करेंगे, उसका एक नया कंसेप्ट फॉर्म होगा और उसको अप्लाई करेंगे. क्लियर बात? तो कौन सा जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन. क्लियर बात? अ डाइवर्जिंग लर्निंग प्रेफर्स. डाइवर्जिंग लर्निंग कहां आ रही है? देखो डी, कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन. कंक्रीट एक्सपीरियंस रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन. क्लियर है बात? अब इसको आपको एक मेरी बात मानो, इसको बिना देखे एक बार बना के देखना, रट के नहीं, जो मैंने समझाया वैसे. क्लियर बात? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल ऑफ कोल्ब्स मॉडल इज करेक्ट. कन्वर्जिंग, देखो पहले कन्वर्जिंग दिमाग में सोचो, कन्वर्जिंग इसके बीच में आएगा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, थिंक एंड डू. डोमिनेंट कौन सा? डूइंग. डोमिनेंट कौन सा? डूइंग. और क्योंकि कन्वर्जिंग है तो मैंने क्या बताया, कन्वर्जिंग है इनको तो, कन्वर्जिंग है तो मतलब इनको तो बस एक सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है, देखते हैं. स्टूडेंट्स प्रेफर टेक्निकल टास्क, क्योंकि इसमें डोमिनेंट डूइंग है तो वो टेक्निकल टास्क प्रेफर करेगा. बिल्कुल करेगा टेक्निकल टास्क, प्रैक्टिकल वर्क को क्या बोलते हैं प्रेफर करेगा. बिल्कुल. और लोगों से कोई मतलब नहीं है. बिल्कुल क्लियर बात है. स्टूडेंट्स लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करेगा, है ना, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का सोल्यूशन निकाल पाए इसलिए करेगा. तो दोनों बिल्कुल सही है. कहां लिखे हुए देखो, प्रेफर टेक्निकल टास्क, दे लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू आइडियाज टू स्टिमुलेट एंड टू वर्क विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. पढ़ चुके हैं, याद है, रटना नहीं है. अगर याद नहीं हो रहा, एक बार जो पढ़ाया फिर से देख लो, तो मेरे अकॉर्डिंगली हो चुका होगा याद. ठीक है, तो बोथ वन एंड टू. अकॉर्डिंग टू कॉल मॉडल लर्निंग स्टाइल स्टूडेंट्स प्रेफर रीडिंग. किसमें बच्चा रीड करेगा, लेक्चर सुनेगा, मॉडल्स को क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मॉडल्स को क्या बोलते हैं एक्सप्लोर करेगा, किसमें? किसमें बताओ? मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था कि अगर आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में कुछ सोचना है तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा. तो आप जब भी तो सोच पाओगे जब आप कुछ पढ़ोगे, है ना. इससे पहले आप कोल्ब के बारे में क्या ही सोच पाते, बट अगर आपने पढ़ लिया तो कोल्ब के बारे में आपको अलग अलग बहुत सारी चीजें सोच पाओगे. तो कब? थिंकिंग वाले ना, थिंकिंग वाले कौन से होते हैं? जिनको सोचना बहुत पसंद है. डी, अस्सी, असिमिलेटिंग वाले सोचने वाले होते हैं. तो कौन सा आ जाएगा? असिमिलेटिंग. देख लो फिर दिखाओ. असिमिलेटिंग, थिंक एंड वॉच, वॉच थिंक. डोमिनेंट कौन सा? थिंक. थिंक मतलब जब किताबें पढ़ोगे और रीडिंग करोगे, लेक्चर करोगे, मॉडल्स को एक्सप्लोर करोगे, तभी तो सोच पाओगे, है ना. हैव टाइम टू थिंक. थिंक तो ये सिंपल हिंट मिल ही गया, बस इसमें आपको देखना था इनमें से किसका डोमिनेंट थिंकिंग है. डोमिनेंट किसका थिंकिंग है? असिमिलेटिंग का. ठीक है, इंट्यूशनल थिंकिंग, ये चीज रह गई है. देखो ये है 504 के ब्लॉक एक में लिखना है, ये लिखना है, फिर से बता रहा हूं लिखना है. समझ आ गई? चलो देखो, इंट्यूटिव थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग डेवलप मैथमेटिकल थिंकिंग अमोंग लर्नर्स. ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप मैथमेटिकल थिंकिंग अमोंग लर्नर्स. फर्स्ट इंट्यूटिव थिंकिंग, सेकंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, बोथ वन टू, ओनली वन, ओनली टू, नन ऑफ दीज. तो बोथ इंट्यूटिव थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. इंट्यूटिव थिंकिंग क्या होती है? देखो, इंट्यूटिव थिंकिंग मीन्स लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद कंक्रीट मटीरियल्स through experiencing ideas in various concrete ways. जब भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे intuition के दो मतलब है, एक तो gut feeling और दूसरा क्योंकि ये hands-on activity है तो concrete material के साथ experiment कर पाना, ये भी intuitive thinking होती है. समझ आ गई? intuitive thinking क्या होगी कि concrete materials के साथ experiment कर पाना क्या होती है? intuitive thinking. और इंट्यूशन क्या होती है? गट फीलिंग जो अंदर से आती है. ठीक है, दो मतलब है इसके, तो दोनों इसमें मैच कर रहे हैं क्योंकि इसमें फीलिंग है तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी, कंक्रीट मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा वो भी इंट्यूटिव थिंकिंग. और इंट्यूशन की क्या बोलते हैं लॉजिक से कोई मतलब नहीं, जो अंदर से गट फीलिंग आ रही है उस पर काम करना. ठीक है, उसके बाद एंड विजुअलाइजिंग आइडियाज रिलाइंग ऑन एनालिटिकल थ्रू प्रोसेसेस.
ठीक है, ये सिंपल चीज वही लिखी है कि आइडियाज को विजुलाइज करना। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है, देखो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग उल्टी होती है, एब्स्ट्रैक्टली कुछ चीज को सोचना जब जहां पे आपके पास कोई भी कंक्रीट मटेरियल ना हो, सिर्फ आप दिमाग में सोच रहे हो, वो होती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कम्स लेटर। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मीन्स बींग एबल टू रीजन विद आइडियाज विदाउट नीडिंग कंक्रीट मटेरियल्स, ठीक है। अब द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इंक्लूड्स, जो ये मार्क कर रहा हूं ना आएगा पेपर में, याद करो इसको, इंक्लूड्स ये पूछ लेंगे कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। रिफ्लेक्टिंग इंक्लूड होती है इन्वेंटिंग, इमेजिनिंग, प्लेइंग, डीलिंग विद आइडियाज, प्लेइंग विद आइडियाज, प्लेइंग वैसे वाला नहीं, प्लेइंग विद आइडियाज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी बिल्डिंग, जर्नलाइज। याद करने की जरूरत नहीं, याद हो जाएंगे। रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग दिमाग में आ गई कि आइडियाज के साथ काम करना विदाउट हैविंग कंप्लीट मटेरियल। देखो रिफ्लेक्टिंग तो आपको पता ही चल गया, इन्वेंटिंग, इन्वेंटिंग क्या, दिमाग में आइडियाज को इन्वेंट करना, इमेजिनिंग कंक्रीट मटेरियल को जरूरत नहीं है, प्लेइंग विद आइडियाज कंक्रीट मटेरियल को जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंक्रीट मटेरियल को जरूरत नहीं है, थ्योरी बिल्डिंग कंक्रीट मटेरियल को जरूरत नहीं है, जर्नलाइजिंग कंक्रीट मटेरियल को जरूरत नहीं है। तो ये सारे प्रोसेस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में आते हैं, पूछ जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये सारी चीज याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। जो ये मार्क करा कॉपी में लिखा होना चाहिए, ढंग से नोट बना लेना इन सबके, क्लियर की बात। आ जाओ इंट्यूटिव थिंकिंग को कौन सा सही डिफाइन कर रहा है, कि एक्सपेरिमेंट विद कंक्रीट मटेरियल्स या फिर एबल टू रीजन विद आइडियाज विदाउट द नीड ऑफ कंक्रीट मटेरियल्स। अभी पढ़ा है एक्सपेरिमेंटिंग विद कंक्रीट मटेरियल्स, ओनली वन इज द करेक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग अभी जस्ट पढ़ा है कि आइडियाज होना, कंक्रीट मटेरियल की जरूरत ना होना, ठीक है। विच वन रिफ्लेक्ट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एक्टिव एक्सपेरिमेंटर, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, डीएससी को कन्वर्जिंग, तो कन्वर्जेंस सिंपल बात। डेविड कॉल्स लर्निंग थ्योरी कैरेक्टराइज्ड अ डाइवर्जर एज, डाइवर्जर कहां आता है भाई, डी स्टार्टिंग में, कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बीच में, तो कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बीच में, ठीक है। एज पर कॉल्स लर्निंग स्टाइल द मोस्ट कॉग्निटिव अप्रोच, हमने अभी बात करी है, लिख लेना ये, अभी मैंने बोला था ना कि सबसे ज्यादा सोचना, जिसमें सबसे ज्यादा हमें पर्सपेक्टिव कहां मिल पा रहे हैं, मोस्ट दिमाग कहां सबसे ज्यादा लग रहा है, डाइवर्जिंग जहां पे हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ रहा है आइडियाज को, तो डाइवर्जिंग लिख लो, द मोस्ट डाइवर्जिंग जहां लिखा है द मोस्ट कॉग्निटिव अप्रोच, सवाल आ चुका प्रीवियस ईयर है। अब देखो सवाल प्रीवियस ईयर में ये आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हार्मोनाइजेशन लर्निंग स्टाइल ऑफ कॉल्प इज करेक्ट, ये हार्मोनाइजेशन पेपर में गलत दिया हुआ था, ये असल में अकोमोडेटिंग होना चाहिए, ये अकोमोडेटिंग स्लैश करके मैंने खुद लगाया, ठीक है। तो ये हार्मोनाइजेशन गलत पेपर में गलत दे रखा था। अब अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल क्या आएगा, डी अस्सी को अकोमोडेटिंग मतलब डू एंड फील, फील मतलब जहां पे हैंड्स ऑन एक्टिविटी इंक्लूड होगी, है ना, क्लियर बात, और जहां पे हम इंट्यूशन पे रिलाई करेंगे, है ना, अभी तो पढ़ा याद होगा वो सबको, अकोमोडेटिंग है ना जहां पे रिलाई ऑन इंट्यूशन, लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, तो इंट्यूशन रदर देन लॉजिक, और अभी इंट्यूशनल थिंकिंग पढ़ी ना कंक्रीट मटेरियल के साथ, जब तो हैंड ऑन एक्टिविटी हो पाएगी, ठीक है। दूसरों का एनालिसिस यूज करते हैं पर खुद का प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, हैंड ऑन एक्टिविटी खुद ही करते हैं, ठीक है। और लर्नर्स लाइक टू वर्क इन ग्रुप्स टू कंप्लीट टास्क, अब इसमें देखो क्या प्रॉब्लम आई है, ये पेपर में आ रखा था, अब देखो इसका ऑप्शन में तीनों चीजें ठीक थी, बट असल में क्या है, दे प्रेफर टू वर्क इन टीम्स टू कंप्लीट टास्क, ठीक है। तो ग्रुप्स और टीम दोनों चीज अलग अलग होती है, बट इसका आंसर 1, 2 एंड 3 तीनों दे रखा था, ठीक है। तो इसका आंसर तीनों दे रखा है, लर्नर्स लाइक टू वर्क इन ग्रुप्स टू कंप्लीट टास्क, तो इनको ग्रुप्स में काम करने में मजा आता है, पर इसमें असल में टीम है, और टीम और ग्रुप दोनों चीजें अलग अलग होती है, बट आंसर की में इसका आंसर 1, 2, 3 दोनों तीनों दे रखा था, ठीक है। तो अगर अब इसका आए यहाँ पे, अगर टीम आए तभी मार्क करना इसको, ठीक है, क्योंकि अगर इसको बार में चैलेंज किया गया तो ग्रुप्स को हटा के, मतलब ये गलत माना गया, तो इसका आंसर क्या था, 1 एंड 2, क्लियर है बात, क्लियर। चलो आगे, तीनों चीजें लिखी हुई ना, ये देखो रिलाइज ऑन इंट्यूशन,
प्रेफर टू टेक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, प्रेफर टू वर्क इन टीम्स टू कंप्लीट टास्क, ठीक है, क्लियर होगी बात। अकॉर्डिंग टू कॉल्ब, ट्राइंग आउट व्हाट यू हैव लर्न्ड हैपेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, किस में जो हमने चीज सीख लिया उसको करना, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, डूइंग एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, क्लियर होगा सबसे साथ। द थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस करी थी, कार्ल रॉजर्स ने, पढ़ा ना स्टार्टिंग में 1969। द एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल थ्योरी किसने दी थी, कॉल्ब में, लर्निंग स्टाइल थ्योरी कॉल्ब ने दी थी, ठीक है। एक 19वां क्वेश्चन ये रह गया कि किस थ्योरी पे बेस्ड है, किस थ्योरी के ऊपर, किस थ्योरी को देखते हुए बनाई गई है, तो कार्ल जंग की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को देखते हुए बनाई गई है, क्लियर होगी बात, आई होप सो। सारे के सारे जो 18 क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे, बेशक 1 घंटे 30 मिनट लगे हैं, पर इस बात की गारंटी कि फ्रूटफुल रहे हैं मेरे हिसाब से, है ना। और बस एक रिक्वेस्ट है, ये हमारी पैडागोजी स्पेशल की फर्स्ट क्लास थी, अगर आपको और भी क्लासेस देखनी है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको आगे डिटेल्स मिल जाएंगी, है ना। तो ऐसी चीजें हम करने वाले हैं, ठीक है। और ये पैडागोजी स्पेशल वालों के लिए पहली क्लास थी, तो भाई ये सारी चीजें जो मैंने बताई लिखनी है वो लिख लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है, जो याद करने बोला वो याद कर लेना, जो समझाया वो समझ लेना, ठीक है। और एक बार इसको अभी 2 मिनट जस्ट बाद एक बार देख लेना, और जो ये अभी बनाया हमने, ये जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ग्राफ बनाया, इसको साइड में कॉपी पे, रफ कॉपी में बिना देखे खुद सोच के बना के देखना कि हाँ यार फीलिंग आएगा, फ्री आएगा, खुद सोच के बना के देखना, ठीक है। टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे, आई होप सो कि ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जिसको भी अब आगे की क्लासेस या फिर जितने भी यार आगे क्लासेस आने वाली हैं वो चाहिए, तो एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, है ना। और बस यही था यार, इतनी अच्छी चीज हम करने वाले हैं, है ना। आपने देख लिया होगा कि आज हमने कॉल्ब की थ्योरी कंप्लीट कर लिया, आज के बाद कॉल्ब का आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। और ऐसी हम धीरे धीरे थ्योरीज कंप्लीट करते हुए चलेंगे यार, ब्राइटनेस क्यों आ रही है, हाँ, तो ऐसी हम धीरे धीरे ना थ्योरीज कंप्लीट करते चलेंगे, फिर एनआईएस धीरे धीरे जो भी एनआईएस में इंपॉर्टेंट चीजें वो कंप्लीट करते हुए चलेंगे, है ना। तो मतलब कि यार इस जो पेडागोजी स्पेशल का है ना, इसका मेन एम ये है कि यार कोई पर्टिकुलर एक चीज मार्केट में अवेलेबल है, खासकर डी ट्रिपल जी पीआरटी के लिए, चीज आपने नोटिस कर रखी है, मैंने नोटिस कर रखी है अपने टाइम पे, कि बिल्कुल पर्टिकुलर स्पेसिफिक टू डी ट्रिपल जी पीआरटी एक ढंग का कोर्स नहीं है, और ये उस चीज का सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये भाई कोर्स बहुत लंबा चलने वाला है, जो भी कह रहे हैं ना यार फीस ज्यादा है, ये फीस भाई हमारे लिए आपको सच बताए नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, क्योंकि जो ये लंबा, बहुत लंबा चलने वाला है यार, ये हमें भी नहीं पता कि कितने क्लासेस में खत्म हुआ, समझ रहे। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और आगे डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी ये बताइए, और अभी आगे 2-3 वीडियोस जिस भी टॉपिक की आप कमेंट कर देना, उस वीडियोस पे आगे टॉपिक वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है। ऊपर कॉल आ रहा है मेरा, तो ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और ऑल द बेस्ट, और ये एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, थैंक यू सो मच।